ये है हमारे देश के अलग अलग प्रांतों से आए आर्मी के वो जाबाज सिपाही जो हमारे देश की अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखने हेतु अपने प्राणों की परवाह किए बिना कठिन हालात में देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में हमारे माननीय राष्ट्रपति युद्ध में वीरता की मिसाल कायम करने वाले सिपाहियों को परमवीर चक्र से सम्मानित करें। यह हमारे राज्य के लिए फक्र का विषय है कि हमारी मिट्टी में जन्मे एक नौजवान ऑफिसर बंटी को परमवीर चक्र से नवाजा गया। गुड मॉर्निंग सर। सर क्या हुआ? सर आप अंदर नहीं जा सकते। किसका ऑर्डर है? मेरा। फैक्ट्री को ताला मार दिया है। पहले से काफी लेबर प्रॉब्लम्स हैं। कोई फसाद खड़ा ना हो इसलिए लेबर अंदर अलाउड नहीं है। आप चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं इसलिए आप जा सकते हैं। अरे ये क्या बात हुई? लेबर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एमएलए साहब ने हमें यहाँ बुलवाया है और आप इन्हें रोक रहे हैं? इन्हें रोकने के ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं। आपको अकेले जाना होगा। बाधाएं आती हैं तो आए, घिर प्रलय की घोर घटाएं, पांव तले अंगारे, सिर पर बरसे ज्वालाएं। वाह वाह। वाह नीचे क्या कर रहे? ऊपर आ जाइए ना। नमस्कार मिलिट्री माधवरा। नमस्कार। अजीब बात है, आप रिटायर हो चुके पर मिलिट्री आपको छोड़ने को तैयार नहीं। आपके नाम के साथ मिलिट्री जुड़ गई। आपके नाम के साथ भी तो एमएलए जुड़ गया। लगातार तीन बार से तो आप ही जीत रहे हैं। क्यों? बिल्कुल सही कहा, आप ही तो जीत रहे हैं। उड़ती उड़ती खबर मिली है कि केंद्र मंत्री से मिलने जा रहे हैं आप, क्या ये सच है? सही सुना, मिनिस्टर मेरा दोस्त है, मिलिट्री में मेरे साथ था। क्या बात है, मंत्रियों के साथ नाता जोड़ो, पेट्रोल पंप के लाइसेंस लो या एक दो फैक्ट्रीज के परमिशन ले लो, थोड़ा पैसा बनाओ और सुख से जियो, मुझे बड़ी खुशी होगी। 30 साल पहले सरकार ने पब्लिक सेक्टर के तहत फैक्ट्री शुरू की थी। इससे न सिर्फ 2000 मजदूरों के परिवार का पेट भरता था बल्कि उसके साथ साथ गन्ने की खेती करने वाले हजारों किसानों के घर के चूल्हे भी जलते थे। लेकिन लोगों को फरेब देकर तुमने इसे घाटे में लाकर बंद करवा दिया और अब अपने ससुर एग्रीकल्चर मंत्री की मदद लेकर इसे कौड़ियों के दाम हासिल करना चाहते हो। इसे आपको क्या दिक्कत है? ना तुम मजदूर हो, ना ही उनकी यूनियन के लीडर हो, ना तुम किसान हो, ना ही कोई पॉलिटिशियन हो, तो इन बेकार के पचड़ों में क्यों खामखा पड़ रहे हो? बर्फीले पहाड़ों पर एक जवान अपनी जान को जोखिम में डालता है किस लिए? ताकि सरहद पर दुश्मन हमारी धरती माँ के सीने पर पाँव ना रख सके। तो देश के अंदर के दुश्मन को अपने देश के लोगों को कैसे लूटने दूंगा? तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं मैंने, कल सुबह तक वो फाइल सेंट्रल मिनिस्टर के हाथों में होगी। अभी क्या कहा था तुमने, मैं इन पचड़ों में क्यों पड़ रहा हूँ? मैंने मिलिट्री से रिटायरमेंट लिया है, युद्ध से नहीं लिया है। जंग लड़ना मेरी खून की फितरत में है। एक बार जो सिपाही बन जाए वो मरते दम तक सिपाही ही रहता है। जब तक जिंदा रहूंगा तो मैं फैक्ट्री हासिल नहीं करने दूंगा। तथास्तु। तेरी मृत्यु निश्चित है। पूरी दुनिया अपने परिवार के साथ मिलकर दिवाली मनाती है लेकिन एक आप हैं जो अपने बेटे को बॉर्डर पर भेजकर खुश होते हैं। कहते हैं कि फौजी को हमेशा बॉर्डर पर होना चाहिए। अब वो देश की रखवाली कर रहा है, इस बात पर आप कितना गर्व महसूस करते हैं। लेकिन उसके बिना दिवाली सूनी है, मिठाई खाने का भी मन नहीं करता। अपनी अंधी बेटी की बिल्कुल परवाह नहीं आपको। पापा क्या है बेटी? ये क्या, मैं आपसे बात की जा रही हूँ और आप जवाब तक नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे भाई को चिट्ठी लिख रहा हूँ। मेरा भी प्रणाम कहिएगा और उनसे पूछिएगा मैंने जो अचार भिजवाए थे वो खाए या नहीं। सुन रहे हैं ना? पूछ लूंगा। ओह कितना शोर हो रहा है, मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। पापा, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ, कोई है? कोई है यहाँ? पापा,
अपनी जान जोखिम में डाल के हम सब लोगों की जान बचाई और परमवीर चक्र हासिल किया। तुम सचमुच रियल लाइफ के एक महान हीरो हो। ये बता, मेरे सीने पर ये मेडल देखकर उनका सीना चौड़ा होगा कि नहीं? अरे क्या बात कर रहे हो, 30 साल की इतनी लंबी सर्विस में उन्हें एक भी मेडल नहीं मिला। क्या तुम्हें एक बात पता है, आर्मी के तुम यंगेस्ट ऑफिसर हो जिसे ये परमवीर चक्र मिला। ऐसी बात है, जो उन्होंने 30 साल में नहीं किया मैंने 3 साल में किया। मैं ग्रेट हूँ बापू, ये देखकर शौक लगेगा उन्हें। आपके लिए ये टेलीग्राम आया है सर। क्या हुआ, क्या बात, क्या है? पिताजी गुजर गए, जल्दी गाँव आ जाओ। अरे बंटी आ गया भैया। बंटी, बंटी देखना क्या हो गया। बंटी, अंकल नहीं रहे, बंटी, बंटी, अंकल नहीं रहे, अंकल नहीं रहे। क्या बाबू, आज तक आपको दाढ़ी रखना पसंद नहीं था, फिर आज आपने शेव क्यों नहीं की? एक जवान को हमेशा टिप टॉप रहना चाहिए, ये बात आप ही ने सिखाई थी ना मुझे। फिर आज दाढ़ी क्यों नहीं बनाई? आजकल आलसी हो गए आप। लग गया, सॉरी। हाँ, पिताजी का अंतिम संस्कार इसी जमीन पर करेंगे। सोल्जर, अब चल बंटी, कब तक यहां रहेंगे? इन्हें शमशान ले जाना है। शमशान नहीं, हम अपनी जमीन पर उनका अंतिम संस्कार करेंगे। आप ये वस्त्र पहन लीजिए। किस लिए? श्वेत वस्त्र पहनकर कर्मकांड करेंगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। आप अपने जनेऊ उतारेंगे? क्या कह रहे हैं, इसके बिना मैं कर्मकांड नहीं कर सकता। आपके लिए ये पवित्र है, पापा के लिए यूनिफॉर्म पवित्र था। मैं इसी यूनिफॉर्म में उन्हें अग्नि दूंगा, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। विधि शुरू करिए। रुक जाओ, यहां किस लिए? यहां समाधि स्थल बनाने आए हैं। कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा, यह समाधि स्थल मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगा। हर काम में आपको जल्दी रहती है। याद है एक बार किसी ने शिकायत की थी और आपने मेरी पिटाई कर दी थी, बाद में पता चला गलती मेरी नहीं है तो रोने लग गए थे। हमेशा कहते थे बेटा इस लाइफ में तेरा कुछ नहीं हो सकता। पता है सबसे कम उम्र में मुझे ये परमवीर चक्र मिला है, पर आपको जाने की जल्दी थी। सच कहूं तो ये मेडल मुझ पर नहीं, आप पर ज्यादा सूट करता है। ये जो पूरा इलाका है वो सोना उगलेगा। ये दो पर्वत हैं, पांडु वाला पर्वत, इन दोनों पहाड़ों के उस तरफ 1,00,000 एकड़ गन्ने की खेती है, और इन पहाड़ों के इस तरफ यहां पीछे देखिए एक गवर्नमेंट शुगर फैक्ट्री है, पूरी तरह सुसज्ज है। यहां गन्ना पैदा होगा
और गन्ने से पैदा होगी शक्कर। अरे ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो। इस पर्वत से उस पर्वत के दोनों तरफ 30 किलोमीटर तक कोई भी सड़क नहीं है। खेती से आने वाले ट्रक्स को 60 किलोमीटर चलना पड़ता है। प्रोडक्शन कॉस्ट दुगनी हो जाती है। नफा जाता है तेल लेने, और यही सबसे बड़ी वजह है कि फैक्ट्री बंद हो गई। बड़े बड़े ताले लटके हुए हैं वहाँ पर। इस फैक्ट्री को डिसइन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत मैंने खरीद लिया। कौन सी स्कीम? अरे जेब कतरे जैसे शहर में अपने अपने इलाके बनाते हैं ना, आजकल एमएलए और तुम्हारे पापा जैसे नेता लोग घाटे से बंद पड़ी सरकारी फैक्ट्रीज को गोड़ियों के दाम खरीद कर आपस में बांट लेते हैं। यही है डिसइन्वेस्टमेंट स्कीम। कुछ भी मत फेंको, पूरे 25 करोड़ में खरीदा है। इसकी असली कीमत 250 करोड़ है। इस हिसाब से मूंगफलियों के दाम पर इसे खरीदा है साहब ने। 8 किलोमीटर डीजल चलाने के बाद फैक्ट्री का प्रॉफिट खड्डे में ही जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर इन दोनों पर्वतों के बीचों बीच हम एक रोड बना दें, तो इस शॉर्टकट से गन्ना सीधा फैक्ट्री के अंदर होगा। इतनी सी बात थी तो ये सड़क पहले क्यों नहीं बनाई? इतनी देर क्यों लगी? एक इंजीनियर ने भी यही सवाल उठाया था। अगले दिन उसकी लाश उठाई गई थी। क्या कह रहे हो? 60 किलोमीटर के बजाय सिर्फ 5 किलोमीटर का कॉन्ट्रैक्ट मिलने से कॉन्ट्रैक्टर को बहुत बड़ा लॉस हो जाता ना। उस लॉस से बचने के लिए उस कॉन्ट्रैक्टर ने इंजीनियर को बलि का बकरा बना दिया। कॉन्ट्रैक्टर कौन था? इनके महान ससुर जी। सड़क के अलावा उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने गन्ने को फैक्ट्री तक पहुँचाने का कॉन्ट्रैक्ट भी हथिया लिया। जैसे मशीन गन्ने से सारा जूस निकाल देती है, ठीक वैसे ही उन्होंने फैक्ट्री से सारा प्रॉफिट निचोड़ लिया, और अब उनके दामाद ने फैक्ट्री हड़प ली। इतनी तारीफ काफी है। अब सुनो, फैक्ट्री तक रोड बनाने के लिए यहाँ के गरीब किसानों से जबरन कौड़ियों के दाम पर खेत खरीदने होंगे। भाई मैं समझ गया, मैं समझ गया। क्या समझा पूछना? ऐसे तू बोलेगा नहीं, चल बता। अब ये जमीन छीनने का काम ये लॉयर, ये कलेक्टर और ये इंस्पेक्टर मिलकर करेंगे। अब क्या घर तक का छोड़ू? चलो नीचे उतरो। एक कटिंग पिला रामो, बगैर मलाई मार के। रामो हाँ। किसी के ग्लास में बच गई हो तो वो भी डाल देना। हाँ डाल देता हूँ। ऐसी रंग बिरंगी शर्ट तेरी शक्ल पे सूट नहीं करती। हेलो लड़कियाँ पर्स में माल और सीने पे बाल देखती हैं, शक्ल से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ए, पहले जरा ये चश्मा हटा, देखना है कितना हैंडसम है तू। ओके अच्छा ये कितनी है? अहो ये कितनी है? 3। तो मुझ में और तुम में क्या फर्क हुआ? मेरी लेफ्ट आंख से डबल और राइट आंख से आधा दिखता है, तो दोनों मिलाकर के 4 हुआ। ओह सरपंच जी यहीं बैठे हैं। तो बताइए सरपंच जी कैसे हैं आप? बीमार होता तो किसी अस्पताल में पड़ा होता। बिल्कुल। कोई टेंशन होती तो खंबा पी रहा होता। सब कुछ सही है इसलिए चाय पी रहा हूँ। शक्ल से तो तुम बेवकूफ लगते ही हो, सवाल भी बेवकूफ हो वाले। वैसे काफी दिनों बाद दिखे, कहीं गए थे क्या? पहले शेव कराने शोलापुर गया, फिर हेयर कट कराने के लिए नासिक गया, फिर नहाने धोने के लिए पूना गया, लंच खाने के लिए लोनावला चला गया, कॉफी पीने के लिए मीरा रोड आ गया, पान खाने पनवेल चला गया, और बिरयानी खाने के लिए कल्याण, उसके बाद एक गधे से मिलने के लिए यहाँ चला आया। सुपर फिगर, एक नंबर। लगता है ताजा फूल तोड़ के लगाइए बालों पर। अगर मुझे ये मिल जाए ना। ये मेरी बेटी है। तेरी डबल आंखों से इसकी सुंदरता तो देख ली तूने। अब यहाँ आकर ये जो कहेगी वो सुनकर तेरे कान के बाल जलकर खाक हो जाएंगे। ऐसा क्या रे कंडक्टर, मुझे बुलाया? मेरे बचे हुए 5 रुपए तेरा बाप लौटाएगा क्या? तुझे क्या लगा मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगी? अरे तुम कहो तो मैं अपना पूरा बैग दे दूं। तेरा पर्स कोई सेठ की तिजोरी है क्या जिसमें से धन निकलेगा? गधा कहीं का। मैं गधा? हाँ हाँ तू गधा। 5 रुपए क्या फोकट में आते हैं? 5 रुपए में तंबाकू आता है, पान आता है, बीड़ी आती है, माचिस आती है, चॉकलेट आती है, लॉलीपॉप आती है, सुई आता है, धागा आता है, बिस्किट या चिप्स का पैकेट आता है, नहाने धोने का साबुन आता है, सेव या चीकू आते हैं, छोटा या मोटा नींबू आता है, मूंगफली का तेल आता है, सरसों का तेल आता है, टूथपेस्ट आता है, बड़े और बच्चों का टूथब्रश भी आता है। बाप रे 5 रुपए में इतना कुछ आता है, ये तो आज से पहले मुझे पता ही नहीं था। बेटा हो सकता है इसके बाद सचमुच छुट्टा ना हो। तुम मैटर से दूरी रहो बड़ाऊ, मैं सुलझा लेगी। कोई अपने पिता के साथ इस तरह बात करता है क्या? बोल। जब मैं बचपन में आपको डांटती थी तो तब तो मेरा बेटा मेरा सोना करते थे, ये गलती आपको तब सुधारनी चाहिए थी। इस उम्र में ट्रेंड बदलेंगे ना तो मैं नहीं मानने वाली। कंडक्टर क्यों बे, लोगों से 5-5 रुपए इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट कंपनी खरीदने वाला है क्या? तुम्हारे 5 रुपए से मैं विजय कालिया नहीं बन जाऊंगा। उनका एक मुक्का पड़ा ना तो सारी 32 नीचे आ जाएगी। चमेली अपुन।
लगता है ये शौक से पागल हो जाएगा। अब जरा मेरी मजबूरी समझो, गांव की इकलौती बस का इकलौता कंडक्टर है ये कार्टून। अब अगर ये बस भी चलनी बंद हो गई तो सरपंच की पोस्ट तो दो दिन में हाथ से गई समझो। अब जल्दी से कोई आइडिया दो। मेरा नाम है अप्पू राजा, आइडियाज दो ताजा ताजा, लाओ दक्षिणा। आ गया जेब खाली करने। देसी ठर्रा। ए, इस चमेली भाई को तुमने क्या समझाया हा? मैं अकेली तुम सब पे भारी पड़ जाऊंगी। अरे चिकनी चमेली पौवे की कसम, अभी अभी तो तुम तिरुपति मंदिर से लौट के आई हो, आते ही गणपति के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना है, क्या ये भूल गई? अयो वो तो मैं भूल गई। जय हो जय हो। तिरुपति से लौटने के ठीक बाद मेरी शादी हो जाएगी, आपके पुजारी ने मुझसे ऐसा ही कहा था। तिरुपति जाने के लिए पापा को पटाने में 6 महीने लग गए थे। हाँ, अब मेरी शादी करवाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, ठीक है? अपने हीरो से शादी नहीं हुई ना तो इस पाखंडी की बलि चढ़ा दूंगी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, बिना और टाइम वेस्ट किए सीधा अपने मिशन पर शुरू हो जाइए। और हाँ, वन टाइम ऑफर, शादी फिक्स होते ही 111 नारियल चढ़ाऊंगी। इस प्रॉमिस का गवाह ये पंडित है ना? पूरी दुनिया आपको आपके बर्थडे पर नारियल चढ़ाती है, लेकिन मैं आपको हर रोज मोदक देती हूँ। अरे आप अपने कान क्यों बंद कर रहे हैं पापा? इस लड़की की आवाज सुनकर मेरे कान पक गए। मेरे चढ़ावे के लड्डू का सेवन तो तू करता है, इतनी गर्मी में नारियल का पानी भी तू पी जाता है। इस लड़की की बकवास सुन के मेरे मस्तिष्क में पीड़ा होती है और तू बाम भी नहीं लगाता है। पिछली बार तो इसकी बातें सुन के मैंने कोमा में प्रस्थान कर लिया था। बड़ी हंसी आ रही है, मेरी बातें तुझे जोक लग रही है? जोक किसे कहते हैं, मैं अभी बताती हूँ तुझे। बच्चा, बच्चे, दीदी अपना हीरो लौट आया। मेरा हीरो लौट आया, वाह, मेरा हीरो लौट आया, बंटी लौट आया। बंटी, ओ बंटी, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहे हो, सोने दो। अरे उड़ गया उड़ गया, अरे पानी मत फेंकना, पानी मत। बेटा ज्योति, तुम्हारा भाई अब तक सो रहा है या उठ गया? भैया वो तो कब के उठ गए। ज्योति, वो कुंभकर्ण उठ गया है, मैं जाऊं उसे उठाने? पापा पापा। क्या हुआ बेटा? मैं सपने में एक राक्षस आया, मैं सो नहीं पा रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मिलिट्री वाले का बेटा होकर डरता है, सो जा सो जा। प्यारे बंटी, आज युद्ध में भारत की जीत हुई, मैं नहीं लेकिन तुम तो सरहद पर हो, बहुत गर्व की बात है। बॉर्डर पर तुमने मौत का तांडव देखा है, मौत का डर सबको सताता है, डर फर्ज को निभाने से रोकता है। जिस दिन डर पे विजय पालोगे हर युद्ध जीतोगे। मौत पे विजय पाने का मतलब लंबी उम्र जीना नहीं होता, बल्कि हंसते हुए हर दिन मौत को एक नई चुनौती देना होता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। कभी हिम्मत मत हारना, चेहरे की मुस्कान कभी मत खोना। हंसते हुए तुम बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी अब तुम पर है, तुम्हारा पापा। पापा कहाँ है मेरा हीरो? तुम्हारी चमेली आ गई, मेरा डैशिंग हीरो बंटी। कहाँ है बंटी? हाँ? ओ मेरी ननद, कहाँ है मेरा पति परमेश्वर? उसको बुलाओ, मैं आ गई हूँ। ज्योति, आखिरी बार जब मैं उनसे मिली थी वो तो बिल्कुल ठीक थे ना? फिर ये कैसे हो गया? हार्ट अटैक। क्या कहा, हार्ट अटैक? इतने फिट आदमी को हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? इस गांव में एक से एक फालतू स्टूपिड लोग भरे पड़े, उनके बजाय भगवान ने इन्हें क्यों बुलाया? वो गधा सरपंच, आइडियाज का सेल्समैन अप्पू राजा, नहीं तो उस पाखंडी पंडित को यह हार्ट अटैक आ जाता। अपने बेटे की शादी के बिना कैसे चले गए? ये तो चमेली है। अभी तक वैसी रोती है तू।
अपना होलिया तो देख। सर पे गुलदस्ता उगाने की आदत गई नहीं तेरी? कितनी जिद्दी थी, बचपन में लॉलीपॉप चूसती थी, किसी को नहीं देती थी। ए ड्रामा बंद कर। कितना आंसू टपकाती है? मैं टपका रहा हूँ। ए, काय को रोती है? पापा ने हंसने को कहा है। फिर ये धारा काय को? ये आंसू बहुत ही कीमती है, एक आंसू 1 करोड़ रुपए का है। इन्हें जमीन पर गिरने मत दो, वरना हम सब दुखी हो जाएंगे। अगर तुम इसी तरह रोती रही तो पिताजी खुश नहीं होंगे। क्या जवाब दोगी तुम उन्हें? अगर तुम चाहती हो कि उनकी आत्मा को शांति मिले तो तुम्हें हमेशा खुश रहना होगा। तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। चल बता, तुझे कैसा पति चाहिए? बड़े कद्दू की तरह गोल मटोल या छोटी भिंडी की तरह स्लिम ट्रिम? मैं इनसे नाराज। क्यों? सपने में इसकी शादी का जिम्मा तुम्हें दिया वो तो ठीक है, लेकिन मेरे बारे में तुम्हारे सपने में कुछ भी नहीं कहा इन्होंने तो। सपना? कौन सा सपना? कि तुम मुझसे शादी करोगे। अंकल का सपना था कि उन्हें मुझ जैसी सुशील शर्मीली बहू मिले, पर वो पहले ही चल बसे। पापा को डरावने सपने आते थे, पर इतने डरावने भी नहीं। हर मर्द की ये इच्छा होती है कि उसकी औरत से शादी हो, किसी बंदरिया से नहीं। बिल्कुल करेक्ट बोला तुमने। मैं लड़की नहीं हूँ, मैं तो एक औरत हूँ। एक भरपूर हसीन औरत, एक जलती चिंगारी, जवानी के शोले भड़का दूंगी। एक हसीन सपना, मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी जवानी की भूख मिटा दूंगी। ए, पकड़ा गई हो क्या? हरा रंग देना। ये लो। ए, डिजाइन तो मस्त है यार। अरे अरे पीछे पीछे पीछे। बहना ने क्या मस्त डिजाइन बनाया यार, फर्स्ट प्राइज मिलेगा। क्यों? इतनी अच्छी नहीं बनी ना? अरे ज्योति, ये तो वर्ल्ड क्लास डिजाइन है, इसके साथ सेल्फी तो बनती है। ए मोबाइल है क्या? इनकी तो बजाओ और बजाओ। हेलो। यस। ए भैया भैया, क्या हुआ भैया? अंजलि की बच्ची। ए ठीक से बना बंदरिया, जल्दी बना। लंगूर लंगूर कहीं का, तू ही है ना? ए चिड़ियाघर की चिंपांजी, मैं ही हूँ। डिंग डोंग रंगोली बनाएगी या नहीं? नहीं बनाऊंगी। रंगोली बनाएगी या नहीं बनाएगी? I said no. बोलो P for puncher. चलो स्पेलिंग बोलो। PUNKTR. हवा निकालो। Hey stop. हृदय परिवर्तन। ठीक है बनवा दूंगी अपने घर के सर्वेंट से। अपना हाथ जगन्नाथ मर्दों का रूल होता है, तो अपने हाथ का कमाल दिखाओ। नो। S for scratch. स्क्रैच लगाओ। Hey रुक जाओ। रुक गया। मैं बनाती हूँ। कमर झुका और शुरू हो जा। ये संभल कर बैठ जा। कलश देना। इस तरह लड़की को कोई देखता है? आज के लिए इतना काफी है, अपनी चाबी उठाओ और यहाँ से चलती बनो। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। चल निकल। हे इडियट। जानू कहकर बुलाओ ना बेबी। हे गुलाबी लंगूर, मुझसे उलझने का नतीजा देख लिया ना? अभी बताता हूँ। ए बिगड़ेल शेरनी, एक दिन तुझे अपने ताल पे नचाऊंगा। आपका शुभचिंतक होने के नाते आपको बस यही सलाह दूंगा, इस सड़क के लिए अपना पैसा जाया क्यों कर रहे हैं? अपने ससुर मिनिस्टर जी को बस कह के टेंडर से सरकारी खर्चे पर सड़क बनवा लीजिए, सारा काम फ्री में हो जाएगा। लीजिए तूफान आ गया। ए अंजलि, बता के नहीं जा सकती थी, चल बता कहाँ गई थी? मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें उससे क्या मतलब? मुझसे इज्जत से बात कर, मैं तुझसे बड़ा हूं। भैया इसे आप अच्छे से समझाइए, एक फटकार में बात समझ नहीं आती।
इसे घोड़े और गधे में फर्क पता होना चाहिए। घोड़े और गधे में क्या फर्क है? अरे शेरू जी, इतना तो जानते हैं ना कि घोड़े और गधे दिखने में कजिन ब्रदर लगते हैं, लेकिन घोड़े रेस जीतते हैं और गधे दिन भर वजन उठाते रहते हैं, बस यही फर्क है। अच्छा जीजा जी, मैं घोड़ा हूँ या फिर गधा? बिल्कुल गधा ही है, ऐसा अंजलि ने कहा। वहाँ देखो, हमारे साहब आ गए। आइए आइए। तो तुमने सड़क के लिए सारे खेत खरीद लिए ना? सारे खेत खरीद लिए सिवाय इस 5 एकड़ जमीन के। अरे क्यों हार्ट अटैक देने की बात कर रहे हो? अगर ये जमीन का टुकड़ा हमें नहीं मिला तो गन्ने को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए सड़क कहाँ से बनेगी? और अगर गन्ना फैक्ट्री तक नहीं पहुंचा तो उस पर फिर से ताला लग जाएगा और आपके 25 करोड़ जाएंगे सीधे गड्ढे में। और अगर आपको 25 करोड़ का घाटा लगा तो आपकी इज्जत और नाम जाएंगे सीधे कटर में। थोड़ा और पैसा दे के जमीन खरीद लो ना भैया। कोई फायदा नहीं है, उसने इनकार कर दिया है। आखिर है कौन वो? वो स्वर्गीय फौजी माधवराव का बेटा है। क्या कहा? स्वर्गीय मतलब वो नहीं रहे? माधव राव तो हमारे पारिवारिक मित्र थे, बहुत इज्जत करता था मैं उनकी। अच्छे इंसानों को भगवान इतनी जल्दी क्यों उठवाते हैं? मानना पड़ेगा कमाल के एक्टर हैं आप। माधव राव के बेटे को जाकर मुझे सांत्वना देनी चाहिए। हीरो? ओ हीरो। अरे नमस्ते एमएलए साहब। पूरे गांव के हीरो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आपने तकलीफ क्यों की, मुझे बुला लेते? आप बैठिए ना। अरे कोई बात है, कोई बात है, चलेगा। कमाल कर दिया, पूरा गांव तुम्हें हीरो कह के पुकारता। मैं तो समझा हीरो बनोगे तुम, लेकिन मिलिट्री ज्वाइन कर ली। सपना हीरो बनने का ही था, पर पापा चाहते थे मैं असली हीरो बनूं, इसलिए आर्मी ज्वाइन कर ली। बहुत अच्छा किया। जय जवान जय किसान, इनके बिना देश की कल्पना नहीं कर सकते। कल ही पता चला हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। बड़े ही नेक इंसान थे वो, बहुत ही निर्दय है भगवान, अच्छे लोगों को इतनी जल्दी बुला लेते हैं। बेटी का विवाह नहीं देख पाए, बेटे की शादी नहीं देख पाए, पर चिंता नहीं करना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इसकी शादी धूमधाम से करवाऊंगा और तुम्हें 20 एकड़ खेती की जमीन दूंगा। नहीं सर, आप जमीन क्यों देना चाहते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इससे पहले आपके आदमी भी आए थे। आई एम रियली सॉरी सर, वो पहाड़ वाली जमीन मैं नहीं दे सकता, वहां पापा की समाधि बनाई हुई है। सेंटिमेंट्स की वही जगह होनी चाहिए जो शर्ट पर लगे सेंट की होती है, थोड़ी देर में अपने आप उड़ जाती है, वरना प्रॉब्लम। आज के जमाने में जानता हूँ, पर आज भी माँ ही बच्चे को जन्म देती है। सूरज पूरब से ही उगता है, आज भी मनुष्य मनुष्य ही है और पशु पशु है सर। जिसके पास भावनाएं नहीं है वो मनुष्य नहीं है। सर पता है मैंने अपने पिताजी की समाधि उस जगह पर क्यों बनाई है? माँ बाप कितने कष्ट उठाकर अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, फिर एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। समाधि स्थल उनके वहाँ होने का एहसास दिलाती है। गलती से भी कोई उनकी समाधि पर पैर न रख दे, इसलिए उसे पहाड़ी पर बनाया है। ओके 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 ओके, आपके पिताजी की समाधि को डिस्टर्ब ना हो उसके लिए तार बंदी करके उसके साइड में रोड निकाल लूंगा। अब अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखिए, हमारे देश में सरकारें मंदिर मस्जिद हटवा देती हैं, समाधि नहीं हटेगी इसकी क्या गारंटी? नहीं सर, मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम्हारी इच्छा। हाँ बंटी, क्या तुम अपनी जमीन उसे बेच रहे हो? चाचा एक ही बात मुझे कितनी बार समझानी पड़ेगी, मैं किसी को जमीन नहीं बेच रहा हूँ, ये जमीन बिकाऊ नहीं है। कम से कम आप लोग तो समझने की कोशिश कीजिए, जहाँ पिताजी की समाधि बनी है वो जमीन मैं नहीं बेचूंगा। बहुत अच्छी बात है, हम यही चाहते थे। उधर के सारे खेत एमएलए ने खरीद लिए, मगर जब तक उसे तुम्हारी जमीन नहीं मिलेगी ना रोड बनेगी और ना ही उसकी फैक्ट्री चालू होगी। एक दिन वो फैक्ट्री गवर्नमेंट चलाएगी, तभी हम मजदूरों के अच्छे दिन आएंगे। आप क्या कह रहे हो चाचा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बंटी, आज तक तुम्हारे पिता ही हमारी मदद करते रहे, उन्होंने हर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, मगर आज वो हमारे साथ नहीं है। और हमें पूरा यकीन है, भले ही वो जिंदा नहीं मगर उनके आदर्श हमारे साथ हैं। आज तुम्हारे पिता उस जमीन पर इसलिए हैं ताकि खून चूसने वाला एमएलए वहाँ रोड न बना सके, वो हमारे भगवान है। ओहो, जमीन हड़पनी उसे? ओके, पिताजी की जमीन उसके बाप की जागीर है क्या? ए, वो आम कितना बड़ा और मोटा है, पर इसे तोड़े कैसे? बहुत ही आसान है, जय टपकेश्वर महाराज कहो, अपने आप ही गिर जाएगा। वाह, आम अपने आप गिर गया, काश वो वाला भी गिर जाए। वाह, काश वो वाला भी गिर जाए। वाह, मुझे ये वाला चाहिए। ये वाला भी। ये तो अनर्थ है, घोरम घोर अनर्थ है, पापों का बाप है, आमों का कत्लेआम क्यों कर रही है छोरी? हम चाहे जो करें, तुम्हें क्या मतलब?
समझा? इस पेड़ को देख, उसे छोड़ इस पेड़ को देख। फैमिली ट्री है, धूप में इसने पसीना बहाया, भरी बरसात में गीला हुआ और सर्दी में सिकुड़ गया। ये बड़ा है इसीलिए खड़ा है, मेरे पूर्वज। इसकी जड़ें हैं मेरे अंकल्स, इनकी शाखाएं हैं और ये सारी पत्तियां अंकल्स की पत्नियां हैं। करेक्ट। और ये दो आम मेरे कजिन ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं जिन्हें तुमने मार दिया। क्या आम में भी मेल फीमेल होता है? जी, मेल और ईमेल भी होते हैं। तुम मुझे अपना मेल आईडी दो, मैं समझा दूंगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप नंबर ही दे दो। हे, ओवर स्मार्ट मत बन, दो तीन आम तोड़ने से व्हाट्सएप नंबर नहीं दूंगी। इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हाँ। पेड़ से बांधना पड़ेगा। हाँ। लाल चींटी खचक से घुसेगी। हाँ। तुम्हें यहाँ काटेगी। हाँ। खुजा खुजा के बुरा हाल। हाँ। होगा, फिर तुम्हारी इस खूबसूरत जवानी का क्या होगा? हमें माफ कर दो। No. प्लीज, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। No. आम के पैसे ले लो और हमें छोड़ दो। बिना टिकट सब लोग देख रहे हैं। ओके, कितने हुए? 100। ये रखो। एक मैंगो का 100। इतना महंगा आम मैं नहीं दूंगी। मखमल सा तन बदन क्या होगा? दे दो ना पैसे, दे दो, दे दो। ओके बाबा। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। ऑपरेशन? अरे भागो, मैदान क्लियर करो। आप किस लिए आई छोटी मालकिन? मैं खुद ही घर आम पहुंचवा देता। हाँ। मालकिन, मालकिन? आप इतनी हैरान क्यों हैं? ये तुम्हारा बाग है? क्यों मजाक कर रही है? ये बगीचा, ये सारे पेड़ आप ही की तो है। मानना पड़ेगा अंजलि, वो लड़का तो जीनियस निकला, तुझे तेरे ही आम बेच दिए। सरगम, चल जल्दी से आंखों देखा, हाल सुना। कल्पू, संजय ने महाभारत की कमेंट्री की, वैसे सुना? मुझे गुस्सा मत दिला, वहां क्या चल रहा है जल्दी से बता क्विकली। अरे हाथ जोड़ता हूँ बाबा, जल्दी से दूरबीन का दूर से हाल बता। निकम में कहीं के, लगता है किसी को दूर का दिखता नहीं है। अंधे कहीं के है। हाँ? लगता है गर्मी बहुत बढ़ गई है। हे, वहाँ देख। हमारे कपड़े क्यों लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फर्स्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। जवाब बहुत ही सरल है, मैं कृष्ण हूँ और तुम सब गोपियाँ। अब दूसरा जवाब दूसरे सवाल के लिए, कपड़े मैंने नहीं लिए, तुम सब ने खुद ही उतारे हैं। ए, ओवर स्मार्ट मत बन, हाँ? सर फोड़ दूंगी तेरा। ठंडे पानी में भी इतनी गर्मी। बचपन में जब तुम बच्ची थी, इसी साइज के कपड़े पहनती थी। खुद बड़ी हो गई पर कपड़े बड़े नहीं हुए। वैसे इन कपड़ों में हॉट लग रही हो। ए, चुप कर, लड़कियों को नहाते हुए देख रहा है, शर्म नहीं आती? बिना परमिशन के मेरे तालाब में नहा रही हो, वो भी उस पानी से जो जानवरों के लिए रिजर्व्ड है। ये जरूर मजाक कर रहा है। दिस इज नॉट अ जोक। पढ़ी लिखी होती तो बोर्ड पड़ा होता। इंग्लिश का ट्रांसलेशन मैं हिंदी में करके बताता हूँ। इसमें भैंसे अपना बदन साफ करते हैं। जिस जिसको अपने कपड़े चाहिए वो मुझसे माफी मांगे और दे मुझे प्यार की झप्पी। सूर्य प्रणाम और खड़े दंडवत प्रणाम का कॉम्बिनेशन करो, चलो। और ना करे तो? तो कपड़े देकर बर्तन लेंगे। बाहर आकर बताओ। हा? सच में आएगी? मजाक कर रही है, तुम ऐसे बाहर नहीं आ सकती। अरे अरे अरे, मुझे कफे, कोल्ड भी है, फीवर भी हो जाएगा, बस कर। लेट्स गो। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सब कैसा है छोटे? टेंपल पूजा करें, नो फ्रेंडशिप। इंग्लिश कहां से सीखी? मंत्र भी इंग्लिश में बोल भैया। ओके ओके, गणेश जी, मेरी बहन का होने वाला दूल्हा ज्यादा अमीर नहीं होगा तो चलेगा। अगर वो गलती से इंजीनियर नहीं हुआ तो भी ये काम चला लेगी, पर थोड़ा हट्टा कट्टा होना चाहिए। वजन 225 किलो से कम हुआ तो लड्डू वापस लेकर जाऊंगा। अगर तुमने ऐसा कहा ना तो मैं भी भूतनी भाभी मांगूंगी। भगवान ने सुनी। क्यों, क्या हुआ रे? चिकनी चमेली कमिंग का गुलदस्ता। अरे ओ, बिना चोटी के पंडित, हाय।
खबर मिली है कि मेरा हीरो मंदिर आया हुआ है। कहाँ है वो? इस टेंपल का वन लौता पुजारी। I also want some pizza। वो आया था कि नहीं? वो not coming। बच्चों, जाके उसे find करो। ओके दीदी। आप क्या देख रहे हैं? मेरा लड्डू खाका के पेट बढ़ा लिया है। आंखें मूंद के ध्यान में चले गए हैं। मेरी प्रॉब्लम की तो कोई परवाह ही नहीं। मैं भक्त नंबर वन हूँ। मोदक भी मैं ही खिलाऊँ, नारियल भी मैं ही फोड़ूँ, पूजा भी मैं ही करवाऊँ, उपवास भी मैं ही रखूँ, लेकिन ब्लेसिंग सारी उसको। मेरी शादी की जिम्मेदारी आपकी है। मेरी शादी नहीं करवाई ना देख लेना, नाराज हो जाऊंगी मैं आपसे। नारियल भी नहीं लाऊंगी ना मोदक लाऊंगी। मैं अंदर पहनकी चीज चाहती हूँ। मेरे लिए मेरा एक हीरो का अरेंजमेंट कीजिए, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। कल से मैं मंदिर भी नहीं आऊंगी और मेरा चेहरा नहीं देखेंगे आप। हेलो डियर बंटी। कौन इंग्लिश में बोला? इट्स मी लॉर्ड विनायक। कौन सा नायक? नायक नहीं रे बच्चा, लॉर्ड विनायक। मुझे एक प्रॉब्लम है। गणेश जी, आप भी प्रॉब्लम है? मेरे कानों का साइज सबसे बड़ा है, इसलिए सबकी प्रॉब्लम सबसे पहले मुझे सुनाई देती है। क्यों, क्या हुआ आपको? इस चमेली की बकवास सुनकर मेरे कान खराब हो गए हैं। अब मुझे कानों के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। क्या चाहते हैं? हाउ कैन आई हेल्प? तुम ऐसा झोल करो कि वो चमेली मेरे पास ना आए। आप यही चाहते हैं? थैंक्स गणेशा। माफ कर दो, बख्श दो, मुझे छोड़ दो। तुझे क्या लगता है तू मुझसे बच जाएगा? इस प्यार का सिलसिला बचपन में ही शुरू हो गया था और अब शादी पर जाके ही रुकेगा। हाँ क्यों, मेरी फिक्र तेरे लिए काफी नहीं है क्या? सुना उस बंदरिया के साथ तालाब में नहा रहा था तू? उसके साथ वाटर पोलो भी खेला तुमसे मतलब? उसे देखकर सीटी भी बजाई और गाने भी गाए। क्या ये सब सच है? उसके साथ हिप हॉप भी किया तुमसे मतलब? मतलब है क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी बनने वाली हूँ। तेरा पति बनने का ऑफर मुझे मंजूर नहीं। और मैंने पूरे शहर में अपनी शादी का ढिंढोरा पीटा, उसका क्या? तुमने क्या किया क्या नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया ये तुम्हारे लिए पागल है। ये तो पैदाइशी पागल है सिस्टर। सच में मुझसे शादी नहीं करोगे? तुझसे शादी करने से अच्छा है मैं किसी गति से फेरे ले लूं। चलो बहना, इसकी बकवास चलती रहेगी, साइड प्लीज। मुझे गति बोला, मैं भी देखती हूँ मुझसे शादी कैसे नहीं करता। अरे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं भी तो सुपर हीरो हूँ, मुझसे शादी कर लो। कद ऊंटनी जैसा, लेकिन कपड़े ऐसे कि बारबी डॉल को भी छोटे पड़ जाए, और मेरा बेवकूफ हीरो उसके साथ डांस करता रहता है। हे भगवान, कोई आइडिया तो दो मुझे। नाम है मेरा अप्पू राजा, आइडियाज देता हूँ ताजा ताजा। तुमने बुलाया और हम चले आए। तुम आइडियाज के जादूगर हो, मुझे भी एक आइडिया दो ना। जादूगर तो मैं हूँ पर इस समय झोली खाली है। जादूगर की झोली कैसे भरनी है उतना आइडिया तो मुझे भी है, ये ले। कानला। क्या नौटंकी किया रे, इधर फैंसी ड्रेस चल रहा है। बेटा इज्जत से बात करो, हम तुम्हारे बुजुर्ग हैं। इज्जत चाहिए तुझे, इज्जत चाहिए तुझे, शक्ल देखिए। ए तू क्या घूर रहा है रे, मैटर क्या है? तुमसे रिश्ते की बात करने आए हैं। उम्र देखी है, शादी करेगी? ए! ये मुंह और मूंग की दाल। तथास्तु, आयुष्मान भव, तेरा कल्याण हो। हमारे गांव की कन्या सौभाग्यवती चिकनी चमेली से तुम्हारा शुभ विवाह होने जा रहा है। एक रंपाट दूंगा ना सारे रिश्ते भूल जाएगा तू। यूरे बंटी, तेरी उम्र निकली जा रही है, कहीं बुढ़ा ना हो जाए, इसलिए बोल रहा हूँ इसी हफ्ते चमेली से शादी कर ले। देखो ये रही शगुन की सुपारी और वो रही होने वाली श्रीमती। हमारी चिकनी चमेली स्वर्ग की अप्सरा है। अप्सरा अप्सरा कुछ नहीं, डायन है डायन। जब हमारी चिकनी चमेली बाहर निकलती है ना सारे कुंवारे लड़के घर के अंदर छुप जाते हैं। इसकी अदाओं में
एक अलग सी कशिश है। कशिश नहीं, पटाने की कोशिश है। हमारे चिकने चमेले की अदा एक नंबर है। सबसे फालतू और बकवास, इसे देखकर उल्टी होती है। संभाल की बात कीजिए बेटा, उम्र भर कुंवारा रहने का इरादा है। आओ हमारे साथ मंदिर चलो। पहले अपनी हाइट और उम्र की परवाह कर बे। अपने बड़ों से तमीज से बात कर बंटी। अगर मैं अपनी तमीज भूल गया तो तुम्हारी कमीज उतरेगी और इसकी चर्बी उतरेगी। आई लव यू वेरी मच बेबी। प्यारे प्यारे बच्चे हमें डिस्टर्ब करेंगे, चलो कुप्चे में चलते हैं। अरे वाह, जल्दी मान गई, अंदर चलें। मिशन सक्सेसफुल। ऐसे लुक्स क्यों दे रहे हो? क्या है, क्या देख रहे हो? क्या है हीरो, अचानक क्या हो गया? देखने का तरीका क्यों बदल गया तुम्हारा? तरीका नहीं बदला है, मूड बदला है। मतलब? प्यार करना है। ऐसा क्यों हुआ? चलो ना शुरू करो। कुंवारी लड़की से कैसे प्यार कर सकते हो? आज, अभी, मुझे निराश मत करो। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ये पाप है। तो हो जाए। अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। एक ना एक दिन तो हमारी शादी होनी ही है। सुनामी आने से पहले प्यार के मौजों पर मौज कर ले। नहीं नहीं, लेट्स मेक लव। मुझे नहीं करना। ब्रेक मत लगाओ। मत करो। अभी जवानी उछाल मार रही थी, शादी कर लो, शादी कर लो। और एक बार ऐसी हरकत की तो सुहाग रात उसी वक्त मना लूंगा। फिर करोगी? चल जा। ये तो मानना पड़ेगा, मेरे लिए करेक्ट लड़की है। थोड़ी देसी है पर विलायती से स्ट्रांग है। ना दुनिया में कोई इंसान का जो कण कण में बसे भगवान का, इस धरती माँ का, मोहब्बत के जज्बे का, दिल में धड़कते प्यार का। लिखने वाला कोई नादान होगा, सब बकवास है। क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती? सब बिका है। बस नोट फेंको। 2000 मजदूरों ने एक साल तक जो भुखमरी सही है उसकी कीमत लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। खून पसीना बहाकर भी, खून के आंसू रोकर भी, और कहीं से मदद न मिलने पर न जाने कितने मजदूरों ने आत्महत्याएं की हैं। क्या कीमत लगाओगे? जिसे किस्मत अवसर नहीं देती वो बगावत पर उतर आता है। जैसे तुम, मौके का फायदा उठाने वाला जिंदगी के सब ऐश भोगता है। जैसे मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ ऐश करने का। मजदूरों से अपील करो कि इस भूख हड़ताल के तमाशे को बंद करके हमारी शर्तों को मान ले। ये तमाशा नहीं, हम मजदूरों के वजूद की लड़ाई है। भाषण दे रहा है बुड्ढा, इसे एनकाउंटर में मार दूं? साले साहब, नई फैक्ट्री का उद्घाटन करते समय क्या करते हैं नहीं जानते? मुर्गे या बकरे की बलि चढ़ाते हैं। इस बार उन्हें बख्शते हैं, नर बलि चढ़ाते हैं। ग्राम प्रधान की तरफ से अतिथियों और दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लगातार 4 सालों से हमारे गांव की हीरो टीम फाइनल्स में पहुंचती आई है और ये प्रतियोगिता जीतती आई है। हमें फक्र है कि हमने इस गांव में क्ले कबड्डी का आरंभ किया है और इस बार फाइनल्स में हमसे मुकाबला करने के लिए मिनिस्टर साहब की बेटी की टीम पहुँची है और हमारी टीम से मुकाबला करेगी जो है हीरो टीम। हीरो टीम के 27 पॉइंट, विलेन टीम के 28 पॉइंट, मतलब मिनिस्टर के बेटे की टीम के 28 पॉइंट। हीरो टीम अपना आखिरी प्रहार करने जा रही है। जीतने पे उन्हें 2 पॉइंट्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। कैसे कह सकते हो? देखता जा, गारंटी है। देख रहा हूँ। अरे उधर देख, उधर। कबड्डी
बड़ी। इन लोगों ने कांच के टुकड़े फेंक दिए, वापस आ जा। हीरो टीम जीत गई, हीरो टीम नंबर वन। वाह देखा। अरे कुछ नहीं यार, अरे तेरे तो इधर भी चोट लगी है और ये देख यहाँ पे भी लगी है। अरे छोड़ ना, अरे चल ना हॉस्पिटल लेके चलते हैं। छोड़ेंगे नहीं इनको। ये सब क्या है, दिमाग नहीं है क्या? इन गतों से लड़के क्या फायदा? ये क्या इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है? लड़ने का शौक है तो बॉर्डर पे जाओ, आपस में लड़कर कोई फायदा नहीं। खेल को जंग का मैदान मत बनाओ। चलो जाओ, बस बहुत हुआ, जा चलो रे। रुक जाओ, तुम में से अब कोई भी बीच में नहीं आएगा। इन कुत्तों का मैं कीचड़ में फीचर बदल दूंगा। बाहर निकलो। शाबाश हीरो, शाबाश मेरे शेर, रियल हीरो हो तुम। तुमने इस मिट्टी की लाज रख ली, आज तुम्हारी वजह से इस गांव का सर ऊंचा हो गया। ला। ये कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रहा है। वाह हीरो, वाह वाह। मिट्टी की सुगंध, इस धरती की मिट्टी की सौंदी खुशबू। अरे एमएलए साहब, थैंक यू। आज के बाद हमारे गांव को कभी कम मत आंकना। चल जा। कोई भी काम बिना झगड़ा किए नहीं कर सकते। मेरी कोई गलती नहीं है, झगड़ा उन्होंने शुरू किया। कितनी बार कहा कि दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाया करो, पर तुम सुनते कहो। मैं जुल्म होते हुए नहीं देख सकता। न जाने तुम कब सुधरोगे। मैं बिगड़ा ही कब था बताओ, ऐसा कब तक चलता रहेगा? हाँ, रोज मारपीट करने वाले राउडी की बहन से शादी कौन करेगा? हाँ, इस अंधी लड़की को सहारा कौन देगा? ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, अपनी अनाथ बहन को फिर से। क्या कहा? तुम अनाथ हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाऊंगा। पिताजी को दिया हुआ वचन तुम्हारा भाई, तुम्हारा ये भाई निभाएगा। तुम अनाथ नहीं हो, अनाथ नहीं हो, मेरी बहन हो। मैं तुम्हारी शादी तुम्हारे लिए एक राजकुमार ढूंढ के लाऊंगा। मैं पूरे गांव को तुम्हारी शादी में बुलाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, तभी तो मेरी बहन, पिताजी मुझे अपना बेटा समझेंगे। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना ज्योति? तुम अनाथ नहीं हो मेरी बहन। ए दूल्हे राजा,
अपनी दुल्हन को जरा देख तो ले। लड़की तो मुझे पसंद ही है, बस पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लो। मेरी बहन घर के कामकाज में किसी से कम नहीं है। अरे घर के सारे काम मैं कर लूंगा, हम पहले शगुन के लेन देन की बात कर लेते हैं। क्या है, एक रस्म तो पूरी हो जाए। रस्म पूरी हो जाएगी, तुम्हारी कोई डिमांड है तो बता दो। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी वो 5 एकड़ खेती है ना वो दे दीजिए। मंगनी मंगनी की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी के अभी मंगलसूत्र पहना देता हूँ, बस जमीन मेरे नाम कर। अपने दूल्हे राजा की स्पीड कमाल की है, सिर्फ जमीन ही तो मांग रहा है, ऐसा लड़का दोबारा नहीं मिलेगा। वो जमीन मैं नहीं दे सकता, वो मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं बहन की शादी कर रहा हूँ, उसे बेच नहीं रहा हूँ, और दहेज लेना कानूनन जुर्म है। नहीं 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 नहीं, नहीं, मुझे वो सब नहीं सुनना है, मुझे वो जमीन चाहिए बस। अगर वो खेती के लायक ना भी होना तो भी चलेगा, मुझे स्कूटर गाड़ी बंगला सोना चांदी नहीं चाहिए, बस वो जमीन चाहिए। अगर दहेज में 5 एकड़ जमीन मिलेगी तो ही शादी करूंगा। अगर अपनी बहन की शादी करवानी है तो वो 5 एकड़ जमीन मेरे नाम कर दो। किस लिए? ताकि वो जमीन एमएलए को दे दो। नहीं पकड़े हैं? नहीं 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 नहीं, रुक, तुझे अभी जमीन देता हूँ। जमीन चाहिए तुझे, जमीन चाहिए। छोड़ो मुझे। पिताजी हटो हटो। तेरा एमएलए मेरी जमीन से एक चुटकी मिट्टी तक नहीं ले जा सकता। हिंदुस्तानी फौज का बहादुर सिपाही हूँ, अपनी जमीन दुश्मनों को नहीं देता। इस हीरो का सबसे बड़ा फैन बन गया हूं मैं, मेरे प्लान को चौपट किए जा रहा है। बड़े दिनों बाद किसी जाबाज से पाला पड़ा है। चंटी नहीं, चमगादड़ ने प्लान चौपट किया है, काम के बजाय काम तमाम करके आया। इसकी जीभ बहुत चलती है, काट डालते हैं। जीभ क्यों, इसका तो पूरा का पूरा इनकाउंटर कर देते हैं। यूनियन लीडर की बलि चढ़ाने के बाद लोग अभी तक आंसू बहा रहे हैं। उसकी कुर्सी पर इस गधे को बिठा दो। ये क्या कह रहे हैं आप? ए, इस गधे के गले में हमारी लगाम है, अगर ये मजदूरों का मसीहा बन गया तो हमारी जिंदगी थोड़ी मजेदार हो जाएगी। ए वकील सर, समझ गया सर। नेता लोग तुम जैसे खोटे सिक्कों को नाले में प्रवाहित करते हैं, ये पहला नेता है जो उन्हीं को लीडर बना रहा है। कौन सी फैक्ट्री का प्रोडक्ट है? कौन है तुम? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं? कौन है तुम? गबरू जवान हूँ। इसे गबरू जवान और औरत का क्या फर्क पता होगा? चुप कर बे। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल। ये गांव की सबसे हॉट लड़की है। बोलो तो अपनी हॉटनेस दिखाएं क्या? ए, अभी नहीं। अगर इसके भाई ने प्रॉपर्टी नहीं बेची तो फिर इस सुंदर कन्या को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लेना। क्या रे पप्पू, जेल से कैसे छूटा? बेल पे। बैल को बेल कैसे मिल गई? ए, भाई बैल नहीं है। नारी की इज्जत नहीं करेगा तो जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम फेस करेगा। अपना एक उसूल है बे, कि अपना कोई उसूल नहीं है। क्यों रे, अकेली लड़की को छेड़ता है, रैगिंग करनी है? पता है रेपिस्ट के साथ भारत की जनता कैसा सुलूक करती है? आंखें बंद कर। लेडी स्पेशल, धुलाई और सिकाई। वन मोर टाइम? नो मोर टाइम। कौरनो? जापड़ मारेगा। कौरनो? ट्वाइंग। ये रक्षाबंधन वाले भाइयों का तमाचा। ए, एक बार ए, और मारा। उंगली 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 में दिखाने की। उंगली में। बॉस को मारा, बॉस को मारा, बॉस को मारा, बॉस को मारा, बॉस को मारा। चल फुट। ए शक्तिमान इधर आ। उसे बुलाया, तू क्यों आया? तेरा टर्न आएगा तबाने का। चल अब जा, जाके कुप्चे में खड़ा हो, जा। तेरा हिसाब बाकी है ना? एक लड़की की फीलिंग्स महसूस की है कभी? ओह या। अच्छा, मर्द समझता है खुद को? बॉडी दिखा। इसे बॉडी कहता है तू? जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलता, चीटिंग कर रहे हो तुम। चल अच्छा, नहीं मारूंगा। पहले प्रॉब्लम नहीं मारूंगा, दिखा। नीचे झुक जा, गलत जगह मारना गंदी बात है भाई। गलती हो गई भाई। अबे रुक जा, अबे मारेगा मुझे। मारेगा? मार। अबे मारना बे, मारना। मारेगा? अरे रुक जा, मारना। मम्मे बचा। क्या रे, इतना धीरे से क्यों मारा बे? भैया बहुत हुआ, अब नहीं छोड़ दो। कुत्ता पार्टी, चलो रिंगा रिंगा पोजीशन में खड़े हो जा। फिर से यहाँ एक कदम भी रखा तो सबकी तो है। नेक्स्ट टाइम आओगे तो शमशान में रजिस्ट्रेशन करवा के आना। तेरी जमीन का क्या? हम तेरे घर का और तेरे बाप की समाधि का सर्वनाश कर देंगे, तेरी हर चीज पे कब्जा कर लेंगे। ये एक पापी गुंडे का शराब है,
जिंदाबाद। फैक्ट्री में झाड़ू लगाने वाले को यूनियन लीडर बना दिया गया है। हर कुत्ते का दिन आता आज ये साबित हो गया है। आपने जो कहा उसमें कुत्ता समझ में आ गया, पर बाकी बात का मतलब क्या है? मतलब हर कुत्ते का दिन आता है। तुम भी तो सरपंच बने थे। नो कमेंट। हो गया चुप। एमएलए चक्रवर्ती। आखिर बात क्या है बेटा? एमएलए साहब के आदमियों को तुमने मारा क्यों बट्टी? मैंने इसकी बहन का पल्लू खींचा। मैंने इसकी बहन को छेड़ा। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने इसकी बहन को छेड़ा? इसके परिवार के कर्जदार हैं हम। अरे ये मेरे लिए भगवान है। अरे भगवान से भी बढ़ के है मेरे लिए। जब मेरे परदादा इस गांव में आए थे तो पहनने को कपड़ा और रहने को मकान दिया। अरे जिस खानदान ने हमारे खानदान के तन को ढका कपड़ा दिया, उसी खानदान की बेटी को तूने छूने की हिम्मत की? इसकी बहन के तन को छुआ तूने? अरे ये वो लड़की है जिसे मैं अपनी बेटी मानता हूँ। इसके साथ तूने बदसलूकी की? इसकी तरफ आंख उठा के देखा तो मैं तेरी आंखें नोच लूंगा। बहुत जवानी चढ़ी है तुझे, चीर के रख दूंगा तुझे। हीरो, जो भी गुनाह इन्होंने किए उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। क्या तुम मुझे एक बार माफ नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। हमारे एमएलए की जय। बेटी। लोग कहते हैं कि बिन बिहाई बेटी बाप की छाती पे बोझ होती है। लगता है मेरे साथ भी यही होने वाला है। मेरा मतलब है कि तेरे मुकाबले का लड़का ढूंढना बहुत मुश्किल है। मतलब सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। उम्मीद करता हूँ कि तेरा हाथ मांगने जल्द ही कोई आ जाए। 6 फुट से नीचे का गबरू जवान, नॉट सो टॉल एंड ऑल्सो नॉट हैंडसम, 60 एकड़ की खेती वाला, खाता हो पराठा मेथी वाला। शादी करके तुझे ले जाए तो इस गांव का उद्धार हो जाए। क्या बोले? मतलब उसका उद्धार हो जाए बेटी। तेरे गम में हम 60-60 लीटर आंसू बहाएंगे बेटा। जल्दी से हाँ कर दे बेटा, अब तो लड़कों की गिनती भी खत्म होने लगी है बेटा। ओके, अब जाओ। चलो, कहाँ जाऊँ? जाओ ना। जा रहा हूँ। बिना कोई सवाल किए तुमने हाँ भी कर दी, यानी तो मेरे भाई से प्यार नहीं करती हो। लड़का यहाँ पहुँचेगा तो शादी होगी ना? क्या मतलब? अगर एड्रेस नहीं मिला तो किसी से पूछ के आएगा? सही कहा, लेकिन जब पता पूछेगा खुद का ही पता भूल जाएगा। ऐसा क्यों? चमेली का नाम है ही बदनाम। मजाल है जो कोई मेरी तारीफ कर दे, जैसा आया है वैसा ही चला जाएगा। अबे शर्त लगा ले यार। एक्सक्यूज मी। यस बॉस। कम हियर। आ गया। यहाँ पर किसी का एड्रेस ढूंढ रहा है? पता चल गया, तेरे थोबड़े पे छपा है। बद्रीनाथ का घर किधर है? उस येड़े का एड्रेस क्यों पूछ रहा है? मैं उसकी बेटी से शादी करूंगा। तू करेगा? फाइनल है ना? तुझे क्या लड़की के कैरेक्टर पे डाउट है? उसका चाइल्डहुड फ्रेंड हो ना, सब जानता हूँ। वो ब्यूटीफुल है ना? माथे पे फूल जरूर है। मतलब भारी भारी है। शादी के बाद उसके खाने और सोने की चिंता मत करना। वो क्यों? गांव की जान है, कहीं भी सो सकती है। सो भी सकती है। 2 दिन पहले वो उल्टियाँ कर रही थी। मतलब होता है 4 महीने पहले मटका लगा था, वो हॉस्पिटल से आई थी। भाई साहब, आपके कलरफुल का राज क्या है? रंगीला देखने के बाद से मैं अमित जी का बहुत बड़ा फैन बन गया। हाइट क्यों नहीं बढ़ी आपकी? हाईटेक सिटी में रहने वाले बंदे से हाइट के बारे में पूछ रहा है तू? अरे सरपंच जी, क्या हुआ आपको? राजा इधर आइए। इस महाशय को जानते हो? ये कोई खान है? क्या बोला? वो बंदरक। ये बद्रीनाथ की भैंस जैसी बेटी से शादी करके अपने तबेले की शोभा बढ़ाना चाहते हैं। करवा दो। गेम क्यों बिगाड़ रहे हो? बात को समझो, शादी करने को मना करोगे तो ये हाँ कहेगा, अगर हाँ कहोगे तो मना करेगा। इसे देखकर ही लगता है ये उल्टी खोपड़ी है। कर दो। चुप हो जाओ। इस समस्या का हल मेरे पास है। और किस लिए? फॉलो माय शूज। हाँ चला जा, तुझे करते हैं फॉलो। दिल का भवर करे पुकार। आइए आइए आइए, बिना पटरी की रेल की तरह क्यों चला आ रहा है सावन के अंदर? अरे मैं तेरी बेटी से शादी करूंगा, वो भी तेरी नजरों के सामने। भूल मत ही, बाहर आओ। धीरज वाला सबर रख, पहले एक दूसरे को देख ले फिर पसंद ना पसंद। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने उसके बारे में ऑनलाइन पढ़ लिया है। मेरी बीवी को बाहर बुलाओ। ये नहीं हो सकता। बद्रीनाथ,
इस गांव का सरपंच होने के नाते मैं अपने गांव की महालक्ष्मी का दान इस भिखारी को नहीं दे सकता। सरपंच जी, क्या अंकल जी, लक्ष्मी गई तो यहाँ कंगाली आ जाएगी समझो, और नहीं गई तो मुझ पे कंगाली आ जाएगी। उजाड़ू ससुर मुंह बंद रख। सरपंच, तुझे दूंगा पंच, बंटी बजेगी घंटी, मेरा जिगर का टुकड़ा बाहर आ, मेरी पत्नी को मेरे पास भेज दो, कम ऑन, मेरी लाइफ टाइम वाइफ। वैसे उसका नाम क्या है? चिकनी चमेली। वही है मेरी चिकनी चमेली, तेरे लिए चिकना बन के आया हूँ, तुम्हारे लिए मैं आ जाऊं। अरे हट, कम ऑन माय डार्लिंग, कम ऑन। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। सब मिलके मुझे भगाना चाहते हैं। इन गांव वालों को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले तेरी क्लास लेती हूँ। सच में आप मेरे वो बनना चाहते हैं? ये कोई बोली? मैं सच में तुम्हारी अर्धांगिनी बनूंगी। मैं कसम खाता हूँ और वचन देता हूँ, आज के बाद तू मेरी है और मैं तेरा हूँ। चल हाथ पकड़, भाग जाते हैं। रुको, एक सेकंड, यहाँ तो शादी की बात करेंगे, यहाँ नहीं। तुम कितने अच्छे लग रहे हो, कुछ देख कुछ होता है। मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है। छोड़ दो मुझे, अरे जाने दो मुझे। क्यों रे चिरकुट, मुझसे शादी करेगा? जान से मार दूंगी तुझे। अरे कहाँ गया वो? भाग गया, इधर उधर मत देखो। हे कम ऑन। हे अंजलि, मुझे डाउट है कि तेरा उस बंटी के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। उसके साथ? नो वे। चक्कर वक्कर कुछ नहीं, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दिल दे बैठे हैं। अगर ऐसा है तो तू अब तक उसे झेल क्यों रही है? तुझे इतना तंग करता है फिर भी भैया को नहीं बताया? बताया तो भैया उसे मतलब तू उसे सच में प्यार करती है इसीलिए भैया को नहीं बताया है ना? इस टॉपिक को यहीं पर खत्म कर दो। ए अंजलि, ये तुम सही नहीं कर रही हो। क्या रे, आजकल उस बंटी के साथ खुलेआम गुलछर्रे उड़ाती हो बाहों में बाहें डालकर। मेरी मर्जी, तेरे को क्या? हा? मेरे को क्या? अरे मैं होने वाला पति हूँ तुम्हारा। तुम पति? वो भी मेरे? और नहीं तो क्या, नहीं तो वो बंटी है। सही बोला, बंटी। जिससे चुगली करना है कर ले। जीजा जी से कहूंगा, वो खबर लेंगे तेरी। चलने का। एक बात बता अंजलि, ये लड़का तो बेवकूफ है, पर वो लड़की कौन है जो सब कुछ मैचिंग पहनती है? वो भी एक स्टूपिड है। पर मैंने तो सुना उसका और बंटी का चक्कर चल रहा है। जान से मार दूंगी। मुझे क्यों? तुम्हें नहीं, उसे मारूंगी। बंटी सिर्फ मेरा है, हमारे बीच आने वाली हर दीवार को गिरा दूंगी। आज पहली बार पलंगटी, न्यूज़पेपर भी है। आज पहली बार बिना मैरिज का दुल्हा होने का एहसास हो रहा है, लाइफ सेट हो गई। हुई 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 हुई। नो, इतना गर्म पानी, मॉर्निंग से सब कुछ कूल कूल हो रहा है, फिर ये हॉट क्यों? फुल बॉडी गर्म करता हूँ। काश मेरा किसी कटीली हसीना से लगन हुआ होता तो आज वो अपने नरम नाजुक हाथों से मेरे अंग को मलती। चमेली, तू यहाँ कैसे? बेकार सवाल है, जहाँ जा है वहाँ राह निकल जाती है। शर्म नहीं आती ऐसे अबला निर्वस्त्र नर को टुकुर टुकुर देखते हुए? तो और किसे टुकुर टुकुर देखूँ? हाँ, तुम तो उस दिन कुछ करना चाहते थे ना? मतलब मैंने कुछ गायब कर दिया है। कहाँ है वो? नहीं, मेरा डाव कहाँ है? मेरा डाव, मेरे बाबू। मैंने तो उसे छुपा दिया। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मेरी इज्जत बख्श दो, आइंदा कपड़े पहन के नाऊंगा। पैर पकड़ने की क्या जरूरत है, मुझे सीधा गोदी में उठाओ और मैरिज हॉल ले चलो, वहाँ हम दोनों शादी कर लेंगे। अब क्या कर रहे हैं? मेरे पास एक मजेदार आइडिया है। जल ही जीवन है, पानी बचाओ। क्यों ना हम दोनों साथ में नहाएं, काफी पानी बच जाएगा और मजा भी बहुत आएगा। हटो। बंद में, बंद में। Let me go। बच गया। ये यहाँ क्यों आई? अब क्या हुआ, कुछ लेने आई हो? अरे बाप रे,
चले गए मुझे छोड़कर। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, बाथरूम हो या बेडरूम हो, उन्हें एक ही चीज चाहिए, ठीक? बताते हुए भी शर्म आती है। बाय मेरे राजा, फिर मिलूंगी। हाँ टॉवल कहाँ है मेरा? घर में एक भी टॉवल क्यों नहीं मिल रहा? मेरा टॉवल मैं... ए लंगूर, यहाँ किस लिए आई हो? क्या काम है तुम्हारा? बाथरूम में, बेडरूम में, नो ऑब्जेक्शन। हाँ? पर उस बंदरिया की जगह मेरे साथ। हाँ? नहीं तो मैं क्या करोगी? दर्द होगा? जरा भी नहीं होगा। हाँ? मेरे टॉर्चर से दर्द महसूस नहीं होगा, मजा आएगा। हाँ? तुम एंजॉय करोगे। कोई इंसान टॉर्चर कैसे एंजॉय कर सकता है? कर सकता है। हाँ? पर तुम मुझे ये बताओ कि तुमने टॉवल की जगह दुपट्टा क्यों पहना है? कलर अच्छा लगा, पहन लिया। ओह, तो ब्लू कलर अच्छा नहीं लगता? अब कलर अच्छा हो तो कुछ भी पहन लोगे। अगर तुमने उस बंदरिया से भूल कर भी शादी की ना, छीन लूंगी। क्या? तुम्हें तो चलेगा, तुम मेरी बीवी हो जो जलन हो रही है। मैं ही तुम्हारी बीवी बनूंगी। क्या कहा तुम्हें? मुझसे शादी करनी? तुम कहो तो बिना शादी के बच्चे कर ले। ना ना, बच्चे शादी के बाद ही अच्छे। मैंने कब कहा मैं तुमसे शादी करूंगा? जब कल रात मेरे सपने में आए थे। मैं कब आया? जब आँखों से नींद उड़ाई थी। मैंने कब उड़ाई? मेरे दिल में बस के दिल का करार छीन लिया। क्या कहा? दुपट्टा गिर गया है, बांध लो। हे भगवान, बार बार टॉवल नीचे क्यों आ रहा है? ये तो शुरुआत है, आज के बाद हर रोज गिरेगा। किसी और की तरफ देखा भी ना तो मार डालूंगी। जो भी चाहिए मुझसे मांगना। और चाहिए तो बोल देना। याद रखना, इश्क की तलाश में कहीं और भटके तो जिंदा नहीं बचोगे, तुम सिर्फ मेरे हो। भैया कहाँ हो? आ रहा हूँ, ना रहा हूँ, आ रहा हूँ। कोई आया था क्या? शायद दूध वाला आके गया। तो आपने उसे दूध नहीं लिया क्या? नहीं नहीं नहीं, आज मुझे दूध नहीं पीना। ये फूलों की खुशबू कहाँ से आ रही भैया? फूल की खुशबू नहीं, वहाँ अगरबत्ती जल रही है। अगरबत्ती नहीं, सेंट है। अंजलि आई थी ना? अंजलि यहाँ क्यों आएगी? मुझसे झूठ मत बोलो, दांत तोड़ दूंगी। अंजलि आई थी ना? आई थी। तुमने किस किया? फुलटू किया, मतलब मेरा मतलब नहीं किया भैया। मुझे सब कुछ पता है। सब कुछ? लगता है कि दोनों लड़कियाँ तुम्हारे लिए लड़ाई कर रही हैं। इसीलिए तो मैं इतना टेंशन में हूँ। अरे टेंशन क्यों, क्या क्या प्रॉब्लम है? अगर सच कहूँ तो लाइफ में डबल मजा आ रहा है। तो दोनों से शादी कर लो। डबल धमाका, मतलब चार गुना मजा। माया मरी न मन मरा, मर मर गया उसका शरीर। ना आशा मरी न तृष्णा मरी, ना आशा मरी न तृष्णा मरी। सही बात है, कल यही हाल होने वाला है हमारा। इतनी सारी तिकड़म लगाई, तब ये फैक्ट्री खरीदी, फिर नई मशीन के ऊपर 10 करोड़ खर्च किए, फिर रोड बनाने के लिए आसपास की जमीन खरीद डाली, इस तरफ की सड़क बनवा दी, उस तरफ की सड़क बनवा दी, सब बेकार। अब बीच वाली जमीन को हथियाने के बजाय यहाँ झूले पे बैठ के दोहे गुनगुनाए जा रहे हैं। ए वकील, मुझे ताना देगा सह लूंगा, लेकिन दोहे के विषय में कुछ कहा तो गला घोट दूंगा तेरा। दोहे और कविताएं पढ़ के जिंदगी को समझना शुरू किया, उनकी दी सीख को चरित्र में उतारा, उनकी गहराई को जाना, दुनिया को कठपुतली की तरह नचाया और 10 साल से एमएलए बना बैठा हूं, और देखना बहुत जल्द चीफ मिनिस्टर भी बन जाऊंगा। जीजाजी, 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 आपकी कविता जब तक इस झूले पे बैठकर खत्म होगी ना, वहाँ हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी होगी। जीजाजी, हमारी अंजलि उस हीरो के साथ घूम रही है। हीरो के साथ? सिर्फ घूम ही नहीं रही, वो लोग प्यार भी करने लगे हैं। प्यार भी करने लगे? आंखें मत फाड़ो, वो दिन दूर नहीं जब वो दोनों ब्याह भी कर लेंगे। ब्याह कर लेंगे? लाइफ में पहली बार अच्छी खबर लाया तू, तेरा मुंह मीठा करना चाहिए। ये क्या है जीजा जी, ये तो चीटिंग है। मुझसे शादी कराने का वादा किया था, अब आप बदल रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ सीख मुझसे। पोलियो था तेरी बहन को, फिर भी उससे शादी की मैंने, उसका पति बनने के लिए नहीं, तेरे मिनिस्टर बाप का दामाद बनने के लिए। हाँ? उनकी पोजीशन का फायदा उठाकर चीफ मिनिस्टर का पद हासिल करना है। बिना मतलब पॉलिटिशियन अपने मरे बाप की मैयत को कांधा तक नहीं देता, और अपने मतलब के लिए देश को भी बेच देता है। अंजलि, बंटी से मिलने जा रही हो? हाँ जा रही हूँ। सुना है उससे प्यार करती हो? हाँ। शादी करना चाहती हो?
यहाँ पर स्टैचू बनकर क्यों खड़ी हो मेरी बहना? आओ तुम्हें डांस करो। गांव के हीरो, मेरे होने वाले दामाद। या बहुत किस्मत वाले हो हीरो तुम, यहाँ के एमएलए खुद चलकर तुम्हारे पास आए हैं। आज पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे तुमने। तेरे तो भाग खुल गए। इतने अमीर खानदान का दामाद बनने जा रहा है तू? अमीर ही नहीं, पावरफुल भी। जानता है कौन है? फ्यूचर सीएम, होने वाले मुख्यमंत्री। ये जिद पकड़ के बैठी है कि तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करेगी ही नहीं। पता नहीं तुमने ऐसा क्या देखा जो प्यार में अंधी हो गई है ये। इनके सामने मेरी क्या औकात, आप तो बहुत बड़ी हस्ती हैं। यू आर अ बिग मैन। आज एमएलए, कल मंत्री, परसों मुख्यमंत्री। इस शादी के पीछे की प्लानिंग मुझे डायरेक्टली बता दीजिए। दहेज में क्या चाहिए? अरे उल्टी रीत क्यों शुरू कर रहे हो? दहेज लड़की वाले देते हैं। मेरा सवाल तुम नहीं समझोगे लेकिन ये समझ चुके हैं। बिना घुमाए फिराए जवाब दो। मेरी 5 एकड़ जमीन चाहिए है ना? ये घर और जमीन मेरे पापा की अमानत है जिसे गवर्नमेंट ने पापा को उनकी काबिलियत की वजह से दी है। उस जमीन का इतना सा इंच भी मैं किसी को नहीं दे सकता। एक बार अगर और कोशिश की तो गाड़ दूंगा। थू! तुम तो करोड़पति हो, क्या करोगे उस जमीन का? ताजमहल बनाओगे? जमीन के लिए मेरी बहन की झूठी शादी करवा रहे थे और आज अपनी बहन का रिश्ता लेकर आए हो। तेरी बहन से शादी में तब मजा आएगा जब एक रात गुजारूंगा। क्या ये तेरे को चलेगा? बंटे, चिल्ला मत, झूठा है तेरा भाई। जब से तुम्हें देखा है तुमसे प्यार करने लगा हूं, लेकिन तुम भी अपने भाई के साथ मिली हुई हो। बंटी, अब तक मैं समझती थी कि ये एक तरफा प्यार है, पर अब मुझे पता चला दैट यू आर माय एवरीथिंग। तुमने एक बात कही एक रात गुजारने की, एक नीच भाई की बहन होने से तो अच्छा है कि तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी होने वाली बीवी की सौतन बनकर। ए हीरो, जो जमीन कल तक तेरी थी वो आज मेरी होगी। आज तक शराफत से मांगता था लेकिन अब मैं उसे तुझसे छीन लूंगा। मूर्ख समझकर तुझे अब तक नजरअंदाज किया, बच्चा समझकर माफ किया, लेकिन तू लगातार मुझे जलील करता रहा। लेकिन अब नहीं, अब तक तू मेरे अंदर एक सियासतदान को देखता रहा, लेकिन अब मेरे अंदर एक शैतान का रूप देखेगा तू। आज से नया खेल शुरू होगा हीरो, तैयार रहना, तेरा सब कुछ छीन लूंगा मैं। आंखों से आंसू नहीं, खून की धाराएं बहेंगी, कलेजा चीर डालूंगा मैं तेरा। चलता हूं हीरो, नमस्कार। ए, इस समाधि को तोड़ दो। सुनो, ज्यादा ताव दिखाने की जरूरत नहीं है। ये समाधि जो बनी है इलीगल है। खुद की जमीन पर समाधि बनाना इलीगल नहीं है। ये तुम्हारी जमीन है, गवर्नमेंट ने खुद हमें ये जमीन दी है। हमने गवर्नमेंट रिकॉर्ड चेक किए हैं, कोई पिता के नाम नहीं है। ए, तोड़ो रे। Oh!
कुत्तों की तरह धोया है सबको, जिंदगी भर याद रखेंगे। कुछ भी मत बोलो, अगर मेरे हाथों मर जाता तो जमीन के पेपर्स पर उसके साइन कैसे लेते, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। आपका अंदाजा सही निकला, ओवर रिएक्ट कर गया और जाल में फंस गया। सर अगर वो यहाँ आया तो उसे थर्ड डिग्री टॉर्चर से मार दूं या पहले प्यार से पेपर्स पर साइन करवाऊं? ये तेरी औकात नहीं, मर जाएगा पर साइन नहीं करेगा। सर मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, थाने में पुलिस वाला पानी में मगरमच्छ जैसा होता है, अगर हाथी भी आ जाए उसे भी निगल लेता है। निगल ले? क्यों रे, मुझे याद किया? क्यों बे, खुद को हीरो समझता है, डिस्ट्रिक्ट के एमआरओ पर हाथ उठाया है? अब क्या होगा पता है? वहाँ पैर रखने वाले के पैर काट दूंगा, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। वो तेरी जमीन नहीं है, वो तो सरकार से गलती हुई थी, पता है ना तुझे है? रहम खाके तेरे बाप को भीख में दे दी थी वो जमीन, अब कलम उठा और पेपर पर लिख, ये जमीन तेरी नहीं सरकार की है। नहीं करता। करवा के रहूंगा। तेरा बाप भी नहीं करवा सकता, हिम्मत है तो कोशिश करके देख। मारो इसको, हीरो मारो। ए, खाल उधेड़ देना, चल अंगूठा लगा, अंगूठा लगाओ, जोर से मारो इसको। कौन सी चक्की का आटा खाता है बे? आग फोड़ दी, पागल कहीं क्या, मुझे मारते, चल ए अंगूठा ला, चल दान। आधार बन चुका है, अंगूठे की जरूरत नहीं। मैंने कहा था ना इतनी आसानी से नहीं मानेगा, नहीं मानेगा ये। क्या हो गया, यहाँ क्यों आई हो? बंटी को छोड़ दो। बंटी? वो तो यहाँ नहीं है। तुमने उसे बुलवाया था, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। ओ अच्छा, ए शिंदे, पाटिल यादव बंटी को देखा? नहीं साहब। देखा, किसी ने भी बंटी को यहाँ नहीं देखा। चुपचाप बंटी को छोड़ दो। अच्छा नहीं छोड़ा तो? सुन लिया वो लोग क्या कह रहे हैं? पूरे गांव के लोगों ने तुम्हें घेर रखा है, पब्लिक से पंगा मत लेना। सही का, सही का, सही का, सही का, बिल्कुल सही। कब से यही तो कह रहा हूँ मैं, पर मेरी सुनता ही नहीं है। बड़ा स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, बाप रे, एक एमएलए तक की नहीं सुन रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आपसे विनती कर रहा हूँ, उसे छोड़ दीजिए, उस मासूम बंटी को छोड़ दीजिए प्लीज। जानता था तुम जरूर आओगी। उसे बचाने की कोशिश करके बड़ी भूल कर दी तुमने, अब और भी बड़ा कदम उठाना होगा जो तुम्हारी सोच से भी परे होगा। आपके पास पॉलिटिकल पावर है, पर उसके पास सच्चाई की ताकत है, आप उसे छू भी नहीं सकते। मुझे चैलेंज मत करो, अंदर का विलन जाग जाता है, मेरी वीकनेस है ये। ठीक है, कल सुबह 9 बजे हीरो के घर जाना, देखना मैं क्या करता हूं। देखती रह जाओगी। कर भला तो हो भला। चलो गाड़ी बढ़ाओ, तोड़ दो इसे। ए, चलो तुम तोड़ो वहां से और तुम यहाँ से तोड़ो। ए, क्या हो रहा है, मेरी दीवार क्यों तोड़ रहे हो? इंस्पेक्टर ये क्या नाटक है? बंटी देखो, तुम्हारा जो ये घर है हाईवे के रास्ते में आ रहा है, रूल के हिसाब से इसे तोड़ना होगा। ये घर हाईवे पर है, ये कब हुआ? नया हाईवे बनाने के इसे 3 नोटिस भेज चुके हैं। कब भेजे, हमें तो कभी कोई नोटिस नहीं मिला। हमारे पास इसके रिकॉर्ड्स हैं, चाहो तो चेक कर लो। ये सरासर अन्याय है, ऐसा नहीं हो सकता। ए, 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 ए। ये हंगामा किस लिए, बात क्या है, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बंटी का घर हाईवे के बीच में तो रूल के हिसाब से गिराना होगा। क्या बकवास कर रहे हो, रूल के लिए किसी को बेघर कर दोगे? मजबूरी है सर, पिछले 1 महीने में 3 बार नोटिस भेजे जा चुके हैं, अब और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसे तोड़ डालने के। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, सब डिटेल्स रिकॉर्ड में है। ये क्या सरपंच जी,
बात बिगड़ने की इतनी देर बाद मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं? एमएलए साहब, यहाँ रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम्स का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? सर, इस बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। गांव का सरपंच होने के बावजूद ना तो मैं हाईवे के बारे में जानता हूँ, ना ही घर को तोड़ने के बारे में। आपका गाँव पर ध्यान नहीं है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, चाहो तो चेक कर लो। सुनिए मारो साहब, बंटी के पिता स्वर्गीय माधव राव जी मेरे मित्र थे, मेरे आदरणीय थे, लोगों के लिए पूजनीय थे, भगवान जैसे थे, इसीलिए ईश्वर ने उन्हें बुला लिया। आप यहाँ के एमआरओ हैं, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इसे कैसे रोक सकते हैं? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सॉरी सर, अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अब इसे रोकेंगे तो सरकारी काम में बाधा डालने के लिए आपको अरेस्ट करना होगा। मुझे? सॉरी सर, कानून सबके लिए बराबर है। सॉरी हीरो, सॉरी अंजलि, एमएलए होने के नाते कानून के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। तुम्हारी तरह मैं भी मजबूर हूँ। कभी कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, निसंकोच मुझे याद करना। अंजलि तो है ही, मदद कर देगी वो। नमस्कार हीरो। एमएलए साहब को अरेस्ट मत करना, तुम्हारी नौकरी जा सकती है। फाइल दो। आया सर। बुलडोजर चालू करो, घर को तोड़ दो। एक सेकंड रुकना, कुछ लेना है। सब काम पे लग जाओ, गाड़ी आगे ले लो, एक भीड़ बचनी नहीं चाहिए। बाप रे, आज का तापमान बहुत गर्म है। तुम लोगों को एक बात पता है, हर पिता की इच्छा होती है कि बेटा उनके बनाए घर में रहे। दादा ने जो घर बनाया उसमें पिताजी थे, पिताजी के इस महल में मैं रहने आ गया। जानती हो पिंकी, पिताजी के दर्शन यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं, समझी? ए चुप कर यार, लूजर की तरह बात मत कर। इस एमएलए के बच्चे ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। ये जगह रहने के लायक नहीं है। मैं तो कहता हूँ उस एमएलए को मार देते हैं। ए तुम सब अपना मुंह बंद करो, हीरो सब जानता है एमएलए कोई इंसान नहीं है, एक राक्षस है। अगर उससे उलझेंगे तो वो मार देगा। ना बाबा ना, उससे तो दूर ही रहो। हमेशा कहते रहते हो कि तुम मिलिट्री माधवराव के बेटे हो, लेकिन तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं है। आर्मी में तो तुम बड़ा शेर हुआ करते थे, अभी तो तुम भीगी बिल्ली बन गए हो। आखिरी बार तूने खून कब देखा था पता? हॉस्पिटल में पेशेंट को खून की बोतल चढ़ाते देखा होगा, बॉर्डर पे खून की नदियां बहते हुए देखी मैंने। इसके भाई को दो मिनट में ठिकाने लगा दूं। उस एमएलए को खत्म करने के लिए मेरे दो हाथ ही काफी हैं। जिस दिन मेरे पंजे में वो फंस गया वही धस गया। कुछ दिन और, एक बार बहन की शादी हो जाए फिर उस कुत्ते को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। उसे ऐसी मौत मारूंगा कि उसे अपने पैदा होने पे अफसोस होगा। तब तक कोई उसके बारे में बात नहीं करेगा। हे हीरो। हे राजा। अरे दोस्त, कैसा है तू? मजे में हूँ, आजकल छुट्टी पर हूँ, सोचा कि तुमसे मिल लेते हैं। युद्ध में दुश्मनों से घिरने के बाद तुमने जिस बहादुरी से मेरी जान बचाई उसके लिए फिर से तुम्हें थैंक्स कह रहा हूँ। आज जोड़ता हूँ, ऐसी बड़ी बातें करके मुझे छोटा मत बना। वैसे शादी कब कर रहा है? शादी? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ की आसानी से मान जाए, लगता है बुढ़ी हो जाऊंगी इंतजार करते करते। क्या है जी? उसने मुझसे पूछा, तुझसे नहीं। चल निकल, चाय तो दे। ये लो। बहन की शादी होने के बाद मैं कर लूंगा, तू तो कर ले। ना माँ बाप है ना कोई भाई बहन, अनाथ आश्रम में पला बड़ा, बड़े होकर आर्मी ज्वाइन कर ली। साल में दो महीने छुट्टी में जाने के लिए कोई घर नहीं है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं। ऐसे में कौन मुझसे शादी करेगा? शादी करने के लिए प्यार की जरूरत है, पैसों की नहीं। तुम ऐसा मान सकते हो लेकिन लड़की का बाप कहाँ मानेगा? कुछ भी बोलता है यार तू। यार बंटी मुझे एक बात बता, क्या तुम अपनी बहन की शादी मेरे जैसे लड़के से करवा देते? राजा पता था यही रिएक्शन मिलेगा। क्या तू सीरियस है? वेरी वेरी सीरियस, उम्र भर इसको रानी बनाकर रखूंगा, क्या तू राजी है? ज्योति, राजा मेरा दोस्त है, एक नेक इंसान है, उससे शादी करना चाहोगी? बताओ ज्योति। अब मैं क्या कहूं भैया, जैसा आप ठीक समझे।
ये क्या पहना है? बचपन का फ्रॉक कबर से अब क्यों निकाला? सर्कस की बंदरिया लग रही हो। मेरा दिल मोरनी की तरह नाच रहा है और तुम मुझे बंदरिया बोल रहे हो। मेरे दिल का इलाज करो। ओहो, तुम्हारे दिल का इलाज यहाँ करूँ? स्वीट हार्ट, आई आर थर्स्टी फिश, यू आर मिनरल वाटर, सांस आइंग, आई बर्डिंग, यू माई पंख बनिंग, दोनों दूर तक उड़िंग, देन लव बट डांसिंग। अभी मुड़ नहीं जा। कल तक तो तुम विलायती थी, आज देसी कैसे बन गई? क्योंकि तुम्हें विलायती घी पसंद ही नहीं, इसीलिए मैं देसी गर्ल बनकर आ गई। ये क्या चीज़ है? एकदम बंदरिया लग रही है। तू भी कोई बंदरिया से कम नहीं लग रही है, जाके खेतों में जाकर। बकवास बंद करो, स्टूपिड फूलिश लग रही है। अरे 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 लड़ना बंद करो। अरे अरे WWF में जाकर लड़ो, लड़ना है तो। अरे बस करो। इन दोनों की मजा, मेरी सजा बन गई। मेरे सोना, ये तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है भाई, योगा कर रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। हुआ क्या है, कपड़े तेरे फटे क्यों हैं? कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना? दो कटेली झाड़ियों के बीच फंस गया था। कोई झाड़वाड़ से नहीं फटा। जरा हमें तो सच बता दो, दोनों को पसंद करते हो तो दोनों से शादी कर लो। अरे जमाई बाबू, किसी एक से शादी करने गया तो दूसरी मार डालेगी। अगर दोनों से शादी करेगा ये नर तो बन जाएगा वानर। अच्छा बंटी, कल मुझे निकलना होगा, छुट्टी खत्म हो चुकी है। भैया इनसे कहो ना कुछ दिन और रुक जाए। इस बार सिर्फ कैजुअल लीव पर आया हूँ, राजकुमारी से शादी जो करनी थी इसलिए सिक लीव देकर एक महीना रुक गया। अगर कल तक ज्वाइन नहीं किया तो मिलिट्री मुझे यहाँ से ले जाएगी। बहन के पति, अपना ख्याल रखना। अरे कहाँ जा रहे हो? जाने का अफसोस कम और खुशी ज्यादा हो रही है। वैसे तुम पे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? शादी के बाद ज्योति ने तो मुझे बुला ही दिया है, तुम जाओगे तो शायद हमें थोड़ा वक्त देगी। पिताजी अगर सामने खड़े होते तो थप्पड़ मारते। क्यों? अरे देख जरा कैप कैसे पहनी है तूने। अरे क्या प्रॉब्लम है तेरी, रोमांस का वक्त नहीं है, जीजा जी बॉर्डर पे जा रहे हैं। तुम एक नंबर के गधे हो, यहाँ इसलिए नहीं लाए कि तुम्हारे साथ रोमांस कर सको। मैं इतनी लकी नहीं हूँ और ये बात मुझे पता है, वो दोनों बात कर सके इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आई। तुम एक फौजी की बेटी हो, एक फौजी की बहन हो, एक फौजी की पत्नी भी हो, फिर आंखों में आंसू क्यों? दो महीने बाद एनुअल लीव लूंगा, फिर पूरे दो महीने यहीं पे रुक जाऊंगा। सच कह रहे हो? वो मुझसे भी छोटी है लेकिन मुझसे कहीं ज्यादा स्मार्ट निकली। चट मंगनी, पट ब्याह और हनीमून भी। निकम्मे, अगर मेरे साथ हनीमून नहीं मनाया ना तो हत्या कर दूंगी। आ गई वो मिस मटकल। हाय मेरी जान, मेरी डार्लिंग। अगर उससे ज्यादा करीब जाने की कोशिश की ना तो तुझे मार डालूंगी, याद रखना। हाय अंजलि, तू तो नहीं जली? क्यों रे, उस देसी गर्ल पे बहुत प्यार आ रहा था, काट के रख दूंगी। यहाँ कैसे आना हुआ? वो जिस वजह से आई है उसी वजह से मैं भी आई हूँ। बस आ गई, बस आ गई। संभल कर जाना, अपना ख्याल रखना, हमारी फिक्र मत करना, और वहां पहुंचते ही फोन कर देना। हाँ जरूर, इसे तुम्हारा इंतजार रहेगा। आंसू मत बहा, ऐसे कोई रोता है? तुम्हारा भाई है ना तुम्हारे पास, चला खाना खाते हैं। कौन हो तुम, चंदा वंदा मांगने आए हो क्या? जीजाजी माफ करना, ये तो राजा की गलती हो गई। जीजाजी माफ। रुको भैया, भैया भैया, बिना बताए पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं। ना मिलता शरीर बार बार, दुर्लभ है मनुष्य का जन्म। जब पत्ता टहनी से झड़ जाए फिर कभी न जुड़ पाए, लाख जतन करें हम। नीचे आज आया है, उठ पहाड़ के नीचे, खैर मना ले। बकवास बंद कर, राजा कहाँ है? नीचे खड़े होकर गला मत फाड़, ऊपर आजा। लो आ गया हीरो जिसका हमें इंतजार था।
सांस क्यों फूल रही है? ओहो हो हो हो, जान हलक में होगी ना? चुपचाप ये बता कि मेरे बहन का पति कहाँ है? बताता हूँ। तेरे जीजा से मेरा कोई लेना देना नहीं, वास्ता तुझसे। तेरा जीजा आराम से लेटा है, बिस्तर के ऊपर नहीं, जमीन से ऊपर हवा में। देखना चाहेगा? वो देख कितने मजे से। अगर ये वहां से गिर गया तो सीधा यहाँ से होते हुए निकल जाएगा। पता ही ये मशीन क्या काम करती है? गन्ने का रस निकालती है। तेरा जीजा इसमें गया तो उसका रस नहीं, रक्त निकलेगा। शांति शांति, गुस्से को पीने की आदत टालो। समझाता हूँ, जिस रस्सी से तेरा जीजा बंधा है उस पुली से होकर वहां से नीचे और नीचे उस आदमी तक पहुंचता है। खुदा ना खास्ता उस रस्सी उसके हाथ से छूट जाए। साबित कर दिया कि तू हीरो है, अपने जीजा की जान बचा ली। जा, उसे जीवन दान देता हूं। जा। लेकिन एक बात तो भूल ही गए, जब राजनीति में कदम रखा था तो अपने पिता को वचन दिया था कि कभी वचन निभाऊंगा नहीं। नहीं, 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 नहीं। राजा। आ गई बहन, सॉरी, बहुत देर हो चुकी। तेरे हीरो का जीजा इस दुनिया से निकल लिया है। मजे ले ले के मारा। जा चेहरा देख ले उसका। अपने भाई को बचाती हो तुम? देख उसने क्या किया, मेरे दोस्त को मार दिया। भाई है वो जो एक जमीन पाने के लिए मुझे बेचने को तैयार हो गया, मेरे लिए वो उसी दिन मर गया था। दुनिया में अगर कोई मेरा है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम्हारे लिए जीना चाहती थी और मेरा वो सहारा भी छिन गया। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों रोका? तुम्हारी बहन के लिए, उसकी जिंदगी के लिए। अगर उसे ये सब पता चला तो वो सदमे से मर जाएगी। मान लो वो बच भी गई, लेकिन अगर तुम मारे गए तो, या मेरे भाई को मारकर तुम जेल चले गए तो, उम्र भर तुम्हारी बहन को कौन संभालेगा? बंटी, राजा, ज्योति, हाँ बोल, ज्योति को, मत बताना, नहीं बताऊंगा उसे। ए, ए राजा, कुछ तो बोल राजा। ए, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता राजा। ए राजा, आए,
मेरे दोस्त, अनजान थे तब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, आज मेरे अपने होकर मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। मुझे माफ कर देना राजा, मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं चमेली, मैं तो जा रही हूँ, तुझे मेरी, मैं नहीं रुकने वाली। हे, मेरा हीरो आ गया। अरे चुप करना, क्या कर रही है, मना कर रही हो ना, चुप रह। अरे रुको ना, अब क्या हुआ? उसके साथ वो मटक कली भी आई है, तुम उसे न्यूज दे दो, मैं बाद में बात कर लूंगी। मेरी सौतन, कैसी हो ज्योति, सब ठीक तो है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आई। जरूरत नहीं है, मैं अभी निकलती हूँ, कुछ काम है, उसका ख्याल रखना। अरे भैया, भैया कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ। इतनी देर से चुप क्यों हो? बस ऐसे ही। मुझे तुम्हारे जीजू को कॉल करना है। कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उसकी पोस्टिंग कहीं दूर बॉर्डर पे हुई है। तो क्या हम उन्हें चिट्ठी लिख सकते हैं? हेलो प्यारे जीजा जी, आदरणीय लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन जीजा जी की रिस्पेक्ट जरूर देना। लिखो, आयुष्मान भव, मैं जानती हूँ तुम लिख नहीं रहे हो, पापा नहीं है इसलिए सब कुछ तुम्हें करना है, मेरी शादी में कन्यादान भी तो तुम्हें किया, इसलिए आशीर्वाद देने का पूरा हक है तुम्हें। तो लिखो, जीजा जी मेरी बहन बहुत खुश है, लेकिन आपके बिना उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा, दिन रात याद करती है, और ऐसे नाजुक समय में आपको उसके साथ होना चाहिए। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मामा बनाया। बहुत जल्द एक नन्हा मेहमान आने वाला है। ये क्या भैया, रो क्यों रहे हो? बस ऐसे ही, पिताजी की याद आ गई। तुम चिंता मत करो, उनका पुनर्जन्म है, चाहो तो अपने भांजे को प्यार से पापा बुला लेना, ठीक है? ठीक है। मेरे दोस्त राजा, ये खत मेरी बहन ने तुम तक पहुंचाने को कहा है। मामा बनाने के लिए थैंक्स, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, लो पढ़ लो इसे। ओ हीरो, जाने कब तेरी बीवी बनूंगी, लेकिन मेरा हाल तो देखो, एडवांस में ही अपनी ननंद की गुलाम बन चुकी हूँ, सारा काम कर रही हूँ, तुम्हारे जीजा के लिए घर को मिठाई की दुकान बना ली है, जलेबी लड्डू रसगुल्ले सब बनाते बनाते मेरी हालत पतली हो गई है। वो बात नहीं है चमेली, देखो बचपन से ही वो बेचारे अनाथ आश्रम में पले बढ़े हैं, जिंदगी में पहली बार कोई उनके लौटने का इंतजार कर रहा है, क्यों सही कहा ना भैया? सही कहा। भैया मेरी मदद करोगे थोड़ी, इतनी मोटी जींस निचोड़ नहीं पा रही। ये सरासर नाइंसाफी है, अपने पति के सारे काम मेरे पति से क्यों करवा रही हो, कुछ ज्यादा ही जुल्म नहीं कर रही तुम? जींस धोना जरूरी है क्या, उनको आने में अभी टाइम है, जल्दी आने वाले हैं, कपड़े धोकर प्रेस भी तो करने हैं। तुम्हारे पति पड़ोस में नहीं है, बॉर्डर पर है, इतनी जल्दी कैसे आएंगे? भैया ने उन्हें चिट्ठी लिख दी है, जैसे ही वो पढ़ेंगे ना देखना दौड़ते हुए यहाँ आ जाएंगे, मेरा दिल यही कहता है। तुम्हारा दिल जरूरत से ज्यादा, अब इसे ठीक से घुमाओ, पूरा दम तो लगा रही हूँ। क्या है? सही कहा, आएंगे, जरूर आएंगे। ए हीरो कैसा है रे, ठीक है ना? अरे तेरी बहन अब तक जिंदा है? अरे ऐसे घूर के मत दे, मुझे डर लगता है। अभी तक सुहागन के कपड़े पहने, अंधी बहन को सच नहीं बताया कि अब वो विधवा हो गई है, पति मर चुका है उसका। अरे बता दिया होगा। नहीं बताया होगा, अब तक मर जाती बेचारी। सही कहा ना, नहीं बताया तो अब बता देते हैं, पक्का नहीं मरेगी। पक्का मर जाएगी? नहीं मरेगी। मरेगी? नहीं मरेगी। यकीनन। शर्त लगी? कितने की? 1000 की। ओके। मैं जाके बता के आता हूँ। शांति 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 शांति। रक्त, अब नहीं लड़ सकता हीरो। साले साहब। हाँ जीजा। शर्त कैंसिल करते हैं और चलते हैं यहाँ से, चलो।
राइट? ए हीरो, खेल खत्म नहीं हुआ, और चलेगा। भैया यहीं हो या कहीं चले गए? यहाँ हूँ। ये लो, मेरे हाथ पर मेहंदी लगाओगे? अभी मूड नहीं है, बाद में लगा दूंगा। आज मैंने मंगल गौरी की पूजा रखी है। मेहंदी खुद के लिए नहीं लगाई जाती, बल्कि पति की लंबी उम्र के लिए लगाते हैं। ये औरतों की बातें हैं, तुम नहीं समझोगे। ओ, मेहंदी लगाने के लिए यही अनाड़ी मिला था क्या? मुझसे नहीं कह सकती थी? शादी के दिन भैया ने ही मेरे हाथों पर मेहंदी लगाई थी। मेरे पति को इनका डिजाइन बहुत पसंद आया, कई दिनों तक तारीफ करते रहे। भैया इस वक्त वो क्या कर रहे होंगे? उन्हें छुट्टी तो मिल गई होगी ना? पति के अलावा तुम्हारे पास बात करने को कुछ नहीं है? बॉर्डर पे उसकी बातें करती हो, मैं सामने खड़ा हूँ ना। अरे हीरो, ये क्या तरीका है, बिना बात के ऐसे क्यों डांट रहे हो? चुप कर, ये धर्मशाला है क्या जो यहाँ पड़ी रहती हो? निकल यहाँ से, निकल। अक्षय पुण्यलोक बलावाप्यर्थम ब्रह्मलोक निवास बल सिद्ध्यर्थम श्राद्ध कर्म न करिष्ये। मेरे दोस्त, ये मिठाई, ये नमकीन, ये सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया, सब कुछ। मेरे दोस्त, मेरे जीजा, उम्र भर तुम्हारी सेवा करना चाहता था यार मैं, पर आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं, इसे स्वीकार करो। तुम कब आई? ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया? क्यों आई यहाँ पर? ये सच नहीं हो सकता। ज्योति, ज्योति को मत बताना, ज्योति को कुछ मत बताना। यकीन नहीं हो रहा। हीरो, ये सब कैसे हो गया? तुम कुछ बोलते क्यों? मार दिया इसे, मार दिया उस कुत्ते ने। तुम्हारे, तुम्हारी जीजा को भी मार दिया। जीजा को भी मार दिया से मतलब? उन्होंने जीजा जी को भी मार दिया। कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे पिताजी, पिताजी एमएलए ने, एमएलए क्या किया उसने? तुम्हारे पिताजी को मारने वाला भी वही था। डर लगता है, अगर सच बताती तुम अपना होश खो देते। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ज्योति का ख्याल कौन रखता? बस इसी वास्ते तुम्हें नहीं बताया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं तुम्हें उस दिन बता देती तो अब तक तुम उस राक्षस को मार डालते और चीजा जी आज जिंदा होते। पिताजी, 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 आपके वचन की वजह से आज भी मेरे हाथ बंधे हुए हैं। क्यों मुझे आज तक आपने रोके रखा? क्यों मेरे हाथ बांध दिया आपने? भैया, ये सारे त्याग आप सिर्फ मेरी वजह से कर रहे हैं। अरे ज्योति, देखो पीछे हटो। क्यों भैया, क्या सिर्फ तुम्हें मिलिट्री माधव राव की इकलौती संतान हो? क्या मैं उनकी बेटी नहीं? हाँ, मेरी मौत से डर गए थे तुम। ज्योति, देखो उन्होंने मेरे पति को भी मार दिया, कुछ दिन बाद वो मुझे भी मार देंगे। ऐसा मत करो। मेरे मरने के बाद बता लोगे क्या? मुझे इतना कसूर कैसे समझा? मैं एक फौजी की बेटी हूँ, एक फौजी की बहन और एक फौजी की पत्नी हूँ। मैं ऐसे नहीं मरूंगी। मेरी कोख में एक फौजी पल रहा है, ये हमारे पापा का पुनर्जन्म है। मैं अपनी औलाद को फौजी की तरह पालूंगी, अपने भाई जैसा नगर बनाऊंगी, मैं उसे बहादुर सिपाही बनाऊंगी, दुनिया को जी कर दिखाऊंगी। जब तक हमारे परिवार को मारने वाला पहलवान जिंदा है, मैं अपने पति का, पति का शांत नहीं होने दूंगी। भैया, मेरी बहन, बंटी,
बंटी, बंटी, एक बुरी खबर है। एमएलए अपने आदमियों के साथ तुम्हारे घर पर गए हैं, तुम्हारे पापा की समाधि को तोड़ रहे हैं। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, उसके आदमियों ने मुझे मार मार के भगा दिया वहां से। अब तक तो शायद उसे तोड़ भी दिया होगा। आई एम रियली सॉरी बंटी, मैं समाधि को नहीं बचा पाया। मैं वहां पर अकेला था, मेरे साथ कोई भी नहीं था, वरना मैं कुछ कर पाता, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। आई एम रियली सॉरी बंटी, मेरे आंखों के सामने उन्होंने समाधि को तोड़ दिया। हीरो आ गया जीजा जी, हीरो आ गया। एक बात समझ में नहीं आई, एसआई को मार के हम सबको वहां से जाने दिया, आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? जीजू, मुझे डर लग रहा है जीजू, आज नहीं तो कल हमें भी मारेगा। जीजू, हीरो आ गया।
क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? पापा वो फौजी माधव राव का बेटा है ना, उसने कलेक्टर और इंस्पेक्टर को मार दिया है और अब वो जीजू और मेरी जान के पीछे पड़ा है। फोन दो उनको। जीजू, पापा। हेलो दामाद जी, उस बंटी को नकली केस में फंसा कर असली एनकाउंटर में उड़ा दो, अपनी फैक्ट्री का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, समझ गए? लेकिन ये अभी नहीं, बाद में करना। फिलहाल तुम सब कुछ छोड़ के हैदराबाद पहुंचो। वहाँ कोई काम है क्या? आज असेंबली में शपथ समारोह होने वाला है, नए मंत्रियों की लिस्ट में तुम्हारा नाम भी शामिल करवा दिया है। तुम भी आज ही शपथ ले लो और बाकी सारी बातें मुझ पे छोड़ दो। मैं पहुंच जाऊंगा। साले साहब, सीधे हैदराबाद चलो। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत गणराज्य के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा भारत के संविधान के प्रति संविधान में दिए गए अधिकारों के प्रति संप्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा अपने राज्य के मंत्री के रूप में अपने सभी कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अपने शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा बिना किसी पक्षपात के अनुराग और द्वेष के बिना संविधान और विधि के अनुसार हेलो एमएलए। हाँ हीरो, कैसे हो? अब मैं एमएलए नहीं, मिनिस्टर बनने वाला हूँ। शपथ ग्रहण करने आया हूँ, कार्य पूर्ण होते ही वहाँ लौट आऊंगा। कुछ घंटे और सब्र कर लो प्लीज। दो मिनट भी रुकने वाला नहीं हो, तेरे सामने आ रहा हूँ। हीरो, ये कोई तालाबंद फैक्ट्री नहीं है जो दीवार फलांग कर अंदर आ जाओगे। यहाँ सिर्फ बड़े बड़े लोग ही आ सकते हैं, तो और भिखारियों को आना मना है। आपकी बारी आ गई, ताली बजाओ, ताली बजाओ। मैं सच्चिदानंद चक्रवर्ती ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि भारत के गणराज्य के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा स्थापित भारत के सार्वभौमिक अधिकारों के प्रति बम लगा हुआ है, रिमोट इसके हाथ में, अगर बटन दबाया तो हम सबके चिथड़े उड़ जाएंगे। मैं इस देश का सिपाही हूं, मिलिट्री माधव राव का बेटा। वो सिर्फ इस देश के लिए जिए, वो हार्ट अटैक से मर गए, सबको ऐसा लगता है, लेकिन उन्हें मार दिया गया। मैं शेष राव हूं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। शपथ लेने वाले इस एमएलए का नाम है सच्चिदानंद, मेरा दामाद है। बंटी के पिता को इसी ने मारा है, उसके जीजा को भी इसी ने मारा है, उसकी बहन का जीवन भी तबाह कर दिया, उसकी जमीन छीनने की भी कोशिश की इसने। इन हत्याओं का मुझे पहले से पता था, लेकिन हम सबके ऊपर एमएलए का प्रेशर था। ये बात सच है सर? जी हाँ, पूरा का पूरा सिस्टम इन्हीं के कंट्रोल में था। पावर का डर दिखा के सारे केसेस क्लोज करवा दिए एमएलए ने। हम आम जनता हैं, हमारे सपने छोटे होते हैं, हम आपको वोट देते हैं ताकि हम अपने देश को फलता फूलता देख सकें, लेकिन आप करप्शन का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। आपकी बिल्डिंग हमारी झोपड़ियों पर बनती है, मैटरनिटी हॉस्पिटल से लेकर स्कूल कॉलेज की फीस हम घर बार बेचकर कर्जा लेकर चुकाते हैं। पढ़ाई को धंधा बनाकर रख दिया इन पापियों ने,
हॉस्पिटल से लेके अदालत तक गरीबों के लिए कोई जगह नहीं बची। सत्ता के नशे में चूर इन पापियों को नर्क तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हर एक हिंदुस्तानी को उठानी पड़ेगी, तभी आने वाली पीढ़ी राहत की सांस ले पाएगी। बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले करप्ट पॉलिटिशियंस की संख्या कितनी होगी? 10,000, 20,000, 30,000, पर हम जैसे सिपाहियों की तादाद लाखों में है। कल को हर सैनिक अपनी बंदूक का रुख बाहर के दुश्मनों के बजाय देश में छुपे दुश्मनों की तरफ मोड़ दे तो मैं दावा करता हूँ देश को खोखला करने वाले इन दीमकों का सफाया 2 मिनट में हो जाएगा। हमारे देश के 100 करोड़ जनता के क्रोध का ज्वालामुखी जिस दिन फट जाएगा, भूचाल आ जाएगा। एक हिंदुस्तानी जिस दिन ठान लेता है, मसल कर रख देता है। कौन हो आप? राउडीज, गुंडे, पावरफुल लीडर्स? देश के दुश्मनों को मारने के लिए मुझे ट्रेनिंग मिली है, 1 सेकंड लगेगा। ईमानदार नेताओं के बीच ऐसे करप्ट नेता का होना दिमाग से कम नहीं जो हमारे सिस्टम को खोखला कर देते हैं। रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा गुस्सा जायज है, ये एक भयानक राक्षस है, इससे मुझे इनकार नहीं है। एक नेता के भ्रष्ट होने से सारे नेताओं पर भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। तुम्हारे पापा की तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजनीति में लोगों की सेवा करने आए हैं, लेकिन इस जैसे पाखंडी लोग राजनीति का सहारा लेकर गुंडागर्दी करते हैं। लोगों को डरा कर धमका कर अपनी राजनीति की धौंस गरीबों पर जमाते हैं। देश की आजादी को इतने साल हो गए पर कोई तरक्की नहीं हुई। तो भैया, एक पार्टी प्रेसिडेंट होने के नाते मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, लेकिन हाँ, एक औरत होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं तुम्हारा साथ दूंगी। पर मैं तुम्हें इसे मारने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन ऐसे नीच पापी को मारना हत्या नहीं कहलाएगी, सजा कहलाएगी। मेरा समर्थन यही है कि इसे कानून के हवाले करो। मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। हम भी इसका समर्थन करते हैं। हम भी इसका समर्थन करते हैं। हम भी इसका समर्थन करते हैं। हीरो, मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? मार दे मुझे। मार चुका हूँ, सिर्फ तुझे नहीं, तुम जैसे और पापियों का बिना खून बहाए मार चुका हूँ। सिर्फ मेरे जैसा वर्दी वाला नहीं, हिंदुस्तान का एक आम इंसान भी अगर तुम जैसों के खिलाफ आवाज उठाए तो यही दफन हो जाओगे। आज के बाद जब भी तुम जैसा एक भ्रष्ट नेता पैदा होगा, मुझ जैसे इंकलाब लाने वाले 100 सिपाही इस देश में पैदा होंगे। हिंदुस्तान इस बात की गवाही देगा कि तुम जैसे कितने भी भ्रष्ट नेता क्यों ना हो, इस वर्दी के आगे नहीं टिक पाएंगे। तेरा खेल खत्म। अरे क्या कर रहे हैं? अरे क्या? हीरो,